हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अन अकेडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो है वो सिक्स क्लास की साइंस, जो सिक्स क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो करने जा रहे हैं। हमने इन्हें एक दिन स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो सेशन पूरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि कभी दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। ये जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है, ये बेसिक के हिसाब से जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी को एटलीस्ट, उनके लिए एकदम बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आपको खुद से समझने में उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। तो ये 4 से 5 घंटे का वीडियो है, और इसमें सारी जो एक लाइन टू लाइन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। उनकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी है, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं डाली है, एक पॉइंट भी मैंने मिस नहीं किया है। जो भी लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं या जिनको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एक बार वीडियो देख लो और फिर आप गो थ्रू होगे तो 1-2 घंटे के अंदर ही मेरे को लगता है कि आप कंप्लीट पढ़ जाओगे। इससे बेस्ट तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का कोई नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत सारे जैसे अक्षांश है, देशांतर है, या हमारे जैसे सौरमंडल है, उसके बारे में चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से इसमें दी हुई है, तो कवर करते हैं। देखो, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, लंबे टाइम तक इंडिया के टॉप मोस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जितने के अभी आप नाम लोगे उन सब इंस्टीट्यूट्स में जो टॉप मोस्ट है इंडिया के, उनमें मैंने पढ़ाया है। और ऑफलाइन मेरा जो एक्सपीरियंस है 25,000 स्टूडेंट से ज़्यादा है। अब ऑनलाइन आने के बाद कितने पढ़ गए ये बताना मुश्किल काम है। ये मेरा ठोलिया 10 कोड है, जिसको आपको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8744035689 पर। और सुरेश ठोलिया नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स वगैरह के लिए, वीडियो के लिए और पीडीएफ वगैरह के लिए। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। इसके ऊपर आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलती है, और जो ऑफलाइन में टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते थे वो अब आपके पास ऑनलाइन में अवेलेबल है। चार्जेस 10 टाइम्स कम है, टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, लाइव टेस्ट होते हैं, वीकली क्विज होती है, मेगा क्विज होती है। और एक बार जैसे प्लस के ऊपर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब आपका जैसे मैंने क्वालिटी स्टार्ट किया देन फिनिश, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे तो फिनिश, इस तरीके से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करा तो खत्म करवाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप किसी भी यहाँ पर वेरायटी, आपको एक टीचर की कोई क्लास समझ में नहीं है दूसरे की कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपके साथ इसके साथ जुड़ेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कितने सारे एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं। अब देखो, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जा करके अन अकेडमी टाइप करना पड़ेगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस हैं 7,000, लेकिन यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं आप फोलिया 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये मात्र आपको 6,300 में मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आप 2 ईयर्स के लिए एनरोल करते हैं तो आपको मात्र 1,260 रुपये, यानी एक साल का पेमेंट ज़्यादा देना है, 8,400 चार्जेस हैं। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ठोलिया 10 रेफरल, तो आप 7,560 में 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे सस्ता दुनिया में कुछ भी नहीं है, इतना सस्ता है ये आपके लिए। और इसमें सिर्फ ये मत समझिए कि आरएस की प्रिपरेशन, आपको बीच में लगा कि मेरे को ऐसा ही की करनी चाहिए, यू कैन, आपको फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड किसी की भी प्रिपरेशन करनी, ये पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, सारे एजुकेटर्स की क्लास है, उसके लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। और टोलिया 10 कोड यूज़ करने पर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगा ही, आंसर राइटिंग वगैरह सेशन में किस तरीके से करना है। ये मेरा कोर्स है जो क्वालिटी का चल रहा है। नेक्स्ट मंथ से अपन लोग जो है वो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर कर सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिक्स क्लास की ज्योग्राफी। ये आपके बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर, सौरमंडल जिसका केंद्र कौन है, सौर मतलब सूर्य, ऐसा मंडल जिसका केंद्र सूर्य है और सब कुछ सूर्य की वजह से ही है। जैसे सारी एनर्जी जो हम लोगों को मिलती है उसका आधार भी सूर्य है, तो उसी हिसाब से ये सौरमंडल हो गया। उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति है, तो पृथ्वी की स्थिति के साथ साथ बाकी ग्रहों की भी क्या स्थिति है, इसको भी हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ये चंद्रमा, और ये थोड़ा देर बाद में टॉपिक आया तब समझाऊंगा, लेकिन अभी देखो
सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। गौर करिएगा, यानी जो आकाश में आपको रात के समय चमकती हुई दिखेगी वो सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड है ना। दिखती है ना रात को आपको, जैसे तारे दिखते हैं आपको, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, जैसे आपके दूसरे ग्रह हैं, शुक्र ग्रह पर आपको नजर आता है, जैसे भोर का तारा कहते हैं, तो सन पृथ्वी जैसे आप यहाँ से जो भी चीज़ें आपको रात के समय दिख रही है, रात के समय दिख रही है, दिन के समय भी तो दिखती है, तो वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये ध्यान रखना आपको, जो भी वस्तु है जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रात के समय या दिन के समय, सूर्य दिन के समय दिखता है, रात के समय नहीं दिखता, लेकिन खगोलीय पिंड के अंतर्गत आता है। अब देखो, कुछ खगोलीय पिंड जो हैं बड़े आकार के होते हैं, जैसे सूर्य काफ़ी बड़ा है, सूर्य से बड़े भी तारे हैं, सूर्य में बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि हमारी और उसके बीच की दूरी बहुत कम है, सूर्य से भी बड़े तारे हैं, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जिसकी जैसे सन है, सूर्य है और अन्य तारे हैं, ये गर्म हैं, इनका अपना प्रकाश है, और जिसका भी अपना प्रकाश होता है, जिसका भी अपना प्रकाश है, एक तरीके से अपन उसको तारे की कैटेगरी में रखते हैं, स्टार की कैटेगरी में रखते हैं, जो किसी और के प्रकाश से नहीं चमक रहा बल्कि अपने प्रकाश से चमक रहा है। ये गैसों से बने हुए हैं, कौन सी गैसों से बने हुए, क्या बने हुए, तो देखो यहाँ पर संलयन की क्रिया होती है, यानी फ्यूजन की क्रिया होती है। संलयन का मतलब हो गया, यहाँ पर फ्यूजन की क्रिया होती है, मतलब ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये हीलियम के अंदर परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन किस में चेंज होता है, हीलियम में परिवर्तित होने की क्रिया, यानी दो हाइड्रोजन मिलते हैं तब हीलियम का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन से हीलियम के बनने की क्रिया में ही कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कई बार पूछते हैं कि हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत क्या है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत संलयन, फ्यूजन, जिसके अंदर हाइड्रोजन किसमें चेंज होता है, हीलियम के अंदर चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनके पास अपना प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य से कितनी मात्रा में प्रकाश आ रहा है पर डे, यानी पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा के स्रोत है वो मुख्यतः उसका आधार सूर्य या शनि है, तो बाकी स्टार्स भी है कि दूर है, इस वजह से हम लोगों को छोटे दिखते हैं, उनके पास भी अपना ऊर्जा का स्रोत है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जिनके पास ये ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और सूर्य भी एक तारा है। ये हमारे ब्रह्मांड जो है उसका सबसे बड़ा तो नहीं है, बल्कि हमारे ज्यादा नजदीक होने के कारण से हमें बड़ा दिखाई देता है। अब देखो, यदि आपने देखा होगा कि तो ये जो स्टार्स होते हैं, जैसे ये स्टार है, ये तारे हैं, है ना, इन तारों की एक विशेष आकृति बन जाती है, एक विशेष आकृति, जैसे कोई घड़े की आकृति बन गई, या किसी पेड़ की आकृति बन गई, किसी जानवर की आकृति बन गई, तब इनको हम नक्षत्र के रूप में जान लेते हैं। यदि ज्योतिष वगैरह से पूछोगे तो अलग अलग नक्षत्र बताते हैं, तो ये जो अलग अलग आकार बन जाते हैं, जैसे आप राशि देखोगे ना तो एक तरीके से नक्षत्र के भाग है ना, जैसे आपके पास में 12 राशियां हैं और हर राशि में 2.5, जो आपके पास में 2.25 नक्षत्र है, इस तरीके से टोटल लगभग मेरे को जितना ध्यान में है ज्योतिष वगैरह से पूछेगा 27 नक्षत्र होने चाहिए, तो इस तरीके से ये 27 नक्षत्र होते हैं, तो ये एक विशेष आकृति लेते हैं। राशि को देखिए, अगर आप कुंभ की आकृति है, किसी की घड़े की होगी, किसी बिच्छू की होगी, तो ये जो स्टार्स किसी तरह की आकृति फॉर्म करते हैं उसे नक्षत्र के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अरसा मेजर या बिग बियर जो है ये भी एक प्रकार का नक्षत्र है, एक प्रकार का नक्षत्र है, और इसकी ये जैसे आप बिग बियर है, इसके जैसे सप्तऋषि है, ये जो सप्तऋषि मतलब सात जो तारे हैं ये अरसा मेजर का ही भाग है, इसी नक्षत्र का भाग है। अरसा मेजर का भाग कौन है, सप्तऋषि। सर सप्तऋषि का क्या मतलब है, ये सात तारों का समूह है। यदि आप कभी अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के साथ रहे, दादा दादी के साथ में, तो रात को बता देते थे कि ध्रुव तारा यहाँ पर है, और उसी हिसाब से तारों के आधार पर वो टाइम भी बता देते थे, घड़ियाँ वगैरह जितनी आज है उतनी नहीं, मेरे दादी जी तो हमको रात को लगभग 15-20 मिनट की एक्यूरेसी बता देती थी कि लगभग इतना बजा होगा,
ये बात तो मेरी देखी हुई है। तो स्टार्च के आधार पर इन सब चीजों की गणना हो जाती है, और यहां से आईएएस ने भी क्वेश्चन पूछा है। अभी कहोगे दादा दादी की क्या बात कर रहे हो सर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद आएगा, लेकिन जब 2011-12-13 के आसपास एग्जाम में क्वेश्चन था, 11-12 के आसपास ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि एक बच्ची है, ये एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन यानी जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, जो ध्रुव तारा जो है वो उसे किस दिशा में रहेगा। या जैसे आप कभी जंगल वगैरह में कहीं पर हो जाओ, मान लो आपको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो रहा, तो आपको ध्रुव तारा के आधार पर अपने डायरेक्शन का निर्धारण कर लेना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। इस ध्रुव तारे के आधार पर आप निर्धारण कर सकते हैं डायरेक्शन का या दिशा का निर्धारण हो सकता है। सर ध्रुव तारे का निर्धारण कैसे होगा, चलो ये तो बता दिया आपने। तो ध्रुव तारे का ऐसे निर्धारण होगा, देखो इस तरीके की शेप में रहते हैं ये, देखो आपके पास ये 5 और 2 7, ये सप्तऋषि कहलाते हैं, ये सप्तऋषि है। इस तरीके से करने के बाद इन दो तारे जो एक लाइन के अंदर आते हैं, इनके साथ एक एंगल बढ़ाइए तो आपको एक इस तरीके से ऊपर लाइन जाती दिखेगी, और इस तरीके से आपको एक स्टार या तारा दिख जाएगा। ये जो बड़ा सा यह तारा दिखेगा ये नॉर्थ स्टार के रूप में या ध्रुव तारे के रूप में जाना जाता है, जो कि हमें दिशा का ज्ञान कराता है। आपकी एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, आईएएस जैसी एग्जाम में जो कि इंडिया की टॉपमोस्ट एग्जाम है उसके भी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया, और इसी तरीके से पूछा, तो इन्होंने फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया, तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखो सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति के बारे में कुछ बताया हुआ है, तो देख लेते हैं। प्राचीन समय में लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जिसे मैंने कहा कि मैंने दादा दादी भी करते थे। उत्तरी तारा या जो उत्तरी ध्रुवी तारा है उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवों की स्थिति का ज्ञात कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, यानी जैसे हमने कहा खगोलीय पिंड क्या है, जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या रात के समय जो आपको आकाश में चमकते हुए दिखे वो खगोलीय पिंड है। उन खगोलीय पिंड में से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। क्या पृथ्वी खगोलीय पिंड नहीं है क्या? ऐ क्या इसका अपना प्रकाश है? नहीं है। मंगल है, क्या खगोलीय पिंड नहीं है? बिल्कुल है, सारे थोड़ी दिखेंगे आप। बुध खगोलीय पिंड नहीं है क्या? शुक्र नहीं है, बहुत सारे जो नहीं दिखेंगे आपको, अरुण वरुण थोड़ी दिख रहे हैं आप, वो भी खगोलीय पिंड है लेकिन उनका अपना प्रकाश नहीं है। सर आपने तो बोला था रात के समय चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं है लेकिन फिर भी वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, बड़ा आकार है, ऐसे पिंडों को, सभी को नहीं लेकिन ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं या प्लेनेट कहते हैं। बृहस्पति हो गया, शनि हो गए, अरुण हो गए, चारों ओर छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के ऐसे के छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं, जैसे गैसेस वगैरह से उनसे मिलकर के बनेंगे, तो अलग अलग है। तो इनमें बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, अरुण हो गए, इनके चारों तरफ छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के बने हुए, जिसके अंदर गैसेस वगैरह है आपके पास में उनके मिलके बने हुए। तो देखो यहां पर ये हमारे सौरमंडल के बारे में बात करिए, तो ये सन है, सूर्य है, और इनका ये क्रम है 8 ग्रहों का, तो ये याद करने की कोशिश करना, ये इतना ही दिया हुआ इसके अंदर कि जैसे ये बुध हो गया, ये आपके पास में शुक्र है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपके पास पृथ्वी होगी, ये आपके पास बृहस्पति हो गया, ये आपके पास में शनि हो गया, ये आपके पास अरुण हो गया, और ये आपके पास में वरुण हो गया। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके पास में अगला क्या है, हमारे पास में ग्रह, ठीक है ना, और इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है लेकिन ये फिर भी आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है सूर्य के कारण से। तो 8 हमारे पास टोटल ग्रह है, पहले 9 थे, 2, 4, 6 में एक को बाहर कर दिया गया क्योंकि कुछ गलत काम कर रहा था,
जैसे टीचर क्लास में से कुछ गलत काम करने वाले, क्लास के नियमों का पालन नहीं करने वाले को क्लास से बाहर करते हैं, वैसे ही जो ग्रहों के नियमों का पालन नहीं करता उसको बाहर कर दिया जाता है। सर ग्रह के कौन से नियम होते हैं? ग्रह के ऐसे कौन से नियम हैं? तो जैसे दूसरे किसी ग्रह की कक्षा को मतलब नहीं काटना, यानी किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी, इस आधार पर एक को अलग कर दिया। अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये सूर्य इसके केंद्र में है, बाकी ग्रह आपको दिख ही रहे हैं। कैसे याद करेंगे सर हम? तो देखो बुध से शुरू करो, बुध शुद्ध है, ठीक है। बुध के बाद में एक छोड़ दो, बृहस्पति छोड़ दिया, शुक्र आ गया, दूसरा शुक्र है। सीक्वेंस याद रखना है, सिर्फ सीक्वेंस ही दी है। फिर शनि छोड़ दो, रवि, रविवार को पृथ्वी पर मोज करो तो रविवार नहीं होता, पृथ्वी हो जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक छोड़ दिया ना मैंने भी, तो छोड़ दिया गया, ये रहा मंगल। हाँ ये रहा ना, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक तो है, लिखा नहीं था कि मैंने, ये रहा मंगल। पृथ्वी के बाद सोम छोड़ दो, ये आपके पास में, ये रहा पृथ्वी यहाँ था, और ये आपके पास में मंगल हो गया। ये पृथ्वी हो गया यानी बुध हो गया, शुक्र हो गया, तीसरे नंबर पे पृथ्वी हो गया, चौथे नंबर पे पृथ्वी के बाद देखो बुध के बाद बृहस्पति छोड़ दिया, दूसरा शुक्र हो गया, शनि छोड़ दिया, रवि की जगह पृथ्वी हो जाएगा, सोम छोड़ दो मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बुध छोड़ दो बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र छोड़ दो शनि आ जाएगा, और फिर हो जाएगा आपके अरुण और वरुण। ए पहले आता है, वे बाद में आता है, अरुण पहले हो जाएगा, वरुण बाद में हो जाएगा, यूरेनस और नापच्यून। ये इस तरीके से हमारे पास आठ ग्रह हैं। जैसे जैसे इनकी जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल शेप होता है, इस तरीके से ये चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर सन है तो सन के चारों तरफ ये इलिप्टिकल शेप के अंदर चक्कर लगाते हैं, या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, या इलिप्टिकल शेप के अंदर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष या इलिप्टिकल शेप के अंदर ये चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष का मतलब ये हो गया कि एक बार सूर्य और तारों, इसके ग्रहों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, एक बार सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी कम होगी, एक बार होगी ज्यादा, एक बार हो जाएगी कम। जब ये ज्यादा दूरी पर होते हैं तब इनकी स्पीड कम होती है, जैसे ये पास वाले डिस्टेंस पे आते हैं तब इनकी दूरी ज्यादा हो जाती है। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है। इसी आधार पर हमारे जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं, बहुत सारे भेजते हैं आजकल तो, वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा मूवमेंट करते हैं। यदि पास है तो गति ज्यादा होगी, दूर है तो कम होगी, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। इस तरीके से चक्कर काटते हैं। तो सबसे जल्दी चक्कर पूरा बुध करेगा, बुध से थोड़ा ज्यादा समय शुक्र को लगेगा, शुक्र से थोड़ा ज्यादा पृथ्वी को लगेगा, इसी क्रम में मंगल को लगेगा, उसके बाद बृहस्पति को लगेगा, उसके बाद शनि को लगेगा, उसके बाद अरुण को लगेगा, उसके बाद वरुण को लगेगा, और सबसे अंत में कौन है? वरुण है। तो सबसे ज्यादा किसको लगेगा? सबसे ज्यादा वरुण को लगेगा। तो ये इस तरीके से आपको बात थोड़ी ध्यान रखनी है। यहां पर कुछ बातें करी गई है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर पृथ्वी का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, सौर शब्द का उपयोग करते हुए, सॉरी पृथ्वी का सौर शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, और भी शब्द। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। देखो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने कितने पहले ये सारी बातें बता दी थी कि सभी जो अन्य जो पिंड है या ग्रह या चंद्रमा, ये सूर्य के कारण से, जैसे ये सन है आपके पास में, ये सन है सूर्य के प्रकाश है, जैसे यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई प्लेनेट है, तो सूर्य का प्रकाश आएगा, इसके ऊपर आकर के गिरेगा, ये परावर्तित होगा, परावर्तित होकर के यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आंखों में आएगा, इसी कारण से इसे ये प्लेनेट दिखाई देगा। तो ये बात आर्यभट्ट साहब ने बहुत पहले बता दी थी। इसका मतलब भारतीय जो हैं वो विज्ञान भूगोल सभी क्षेत्रों में हमेशा आगे रहे। अब देखो ये सौर मंडल की बात कर रहा है, तो सौर मंडल में सूर्य, आठ ग्रह जो भी हमने बात करी, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए,
मेटेरियोलाइट्स हो गए, उल्का पिंड हो गए, आदि से मिलकर के निर्माण हुआ है। तो सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती है? सूर्य आता है, आठ ग्रह आते हैं, इनके उपग्रह आते हैं, जैसे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है कौन? चंद्रमा, बुध और शुक्र के नहीं है, उसके बाद शनि के सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से इनसे मिलकर के सौरमंडल बना है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सारे ग्रह हो गए, उन ग्रहों के उपग्रह हो गए, जैसे हमारा चंद्रमा, ये सब सोलर सिस्टम का भाग है, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ये पूरा जैसे हमारा परिवार होता ना, वैसे ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये सौर परिवार है, जिसका मुखिया कौन है? जैसे हमारे घर में दादाजी वगैरह होते हैं, वैसे इनका मुखिया सूर्य है। कितने सिक्स क्लास की बुक में कितनी चीज़ें लिखी हुई है, देखो सूर्य के बारे में कुछ जानकारी दी है, जो मुखिया उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, देखा था हम लोगों ने कि सेंटर के अंदर जो है वो सूर्य है, उसके बाद सारे जो ग्रह हैं इस तरीके से हर कोई इसके चक्कर लगा रहा है। जैसे आप चक्कर लगाते हैं, आपका मुखिया कोई और होता है, घर वाले पापा को बोल के किसी मुखिया के चक्कर, तो वही मुखिया यहाँ पर है, इसके आप भी चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। इस संलयन की प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा रिलीज होती है, इसीलिए ये गर्म गैसों का गोला है। इसका खिंचाव वाला बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सवाल ये है कि जैसे ये मन में कुछ लोगों के आ सकता है कि पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सब गिर क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं गिर रहे, अब सोच के देखिए कि इनका जो मुखिया हुआ है, ये घर बंदा रहता है कि नहीं रहता है? मुखिया सही रहता है, सारे लोग परिवार के जो हैं वो इनके चारों तरफ घूमते, मुखिया का अस्तित्व खत्म, सब कुछ घर का तहस नहस। तो यहाँ पर सूर्य मुखिया और बाकी जो ग्रह हैं वो सारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपने आकर्षण बल से ये उन सबको खींचे हुए रखता है। ध्यान रखना इस बात, आकर्षण बल से सारे ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ खींचे हुए रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, सौर मंडल के लिए, यानी जितने भी ग्रह हैं उन पर ऊर्जा का आधार क्या है? पृथ्वी हमारे लिए क्या है? शनि है। और ऐसा जो कि काफी लंबे समय तक, काफी आपकी कई पीढ़ियां बीत जाएगी, कई जन्म हो जाएंगे आप, 84 लाख जन्म पीढ़ियां सारे जो है ना आपके देवी देवता उनके सबको भोग लगा लेना, फिर भी सूर्य की ऊर्जा बची रहेगी, है ना। वैसे तारों का, सूर्य का, इनका जीवन काल होता है, यहाँ पर उसकी शायद बात करी नहीं, तो उनका भी जीवन काल होता है, वो भी एक समय के बाद मरते हैं, लेकिन तब तक हम कई बार मरेंगे। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं। वो सीधी सी बात है, हम आग के पास में खड़े रहेंगे तो हमें ज़्यादा महसूस होगा, हम आग से दूर खड़े रहेंगे तो हमें क्या महसूस होगा? कि हम आग से दूर खड़े हैं, यानी हम सूर्य से दूर खड़े हैं। यदि सूर्य के पास कोई जा नहीं पाएगा, सूर्य के पास जाएगा इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, सब कुछ पिघल करके पानी हो जाएगा। तो जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जो आदित्य L1 भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी आपके ख्वाब है ना, बहुत दूर है सूर्य से, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सवाल है कि सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है? संलयन की क्रिया है। संलयन की क्रिया में क्या होता है सर? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना फ्यूजन यानी संलयन की क्रिया कहलाती है, और संलयन की क्रिया के कारण से ऊर्जा का रिलीज होती है। आइंस्टीन का समीकरण है ना, E=mc², उसके आधार पर बहुत गुणा हो जाती है एनर्जी। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ही हमसे बहुत दूर है, नजदीक है इसलिए बड़ा दिख रहा है, तो नजदीक होके भी दूर हो, पास होके भी पास नहीं हो। आप वाले गाने उस तरह के सुने होंगे आपने, सूर्य से पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, कभी 14 पॉइंट समथिंग है, कभी 15 पॉइंट समथिंग है, ऑफशोर ऑफशोर की स्थिति है, ठीक है ना, पेरिहेलियन और अफेलियन की कंडीशन है, लेकिन औसतन दूरी देखी जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा काफ़ी पास है इससे, 384,000 किलोमीटर है, 384,000 किलोमीटर दूर है, ये कहाँ 384,000, 4 लाख मान, लेकिन सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर है, ये 4 लाख, पृथ्वी से भी छोटा है चंद्रमा, एक चौथाई व्यास है चंद्रमा का,
लेकिन बड़ा दिखता है, सूर्य उससे कई गुना बड़ा है, छोटा दिखता है, डिस्टेंस मैटर करती है, हम समझदार हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह देख लिया, सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने बताया कि बुध हो गया, बृहस्पति को छोड़ दो शुक्र हो गया, शनि को छोड़ दो रवि की जगह पृथ्वी को ले लो, सोम को छोड़ दो मंगल हो गया, बुध को छोड़ दो बृहस्पति हो गया, शुक्र को छोड़ दो शनि हो गया। सीक्वेंस हमेशा याद रहेगी आपको, यूरेनस और नेपच्यून यानी अरुण और वरुण हो गया, ये पहले आता है वह बाद में आता है, इस तरीके से आप कर सकते हो इनको प्रिपेयर। पृथ्वी यानी अर्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं जिस पे आप रहते हो, इतना तो पक्का है कि इसका कोई प्रकाश नहीं है, जिसका प्रकाश होता ना तो फिर आपका प्रकाश नहीं होता, यानी आप नहीं होते फिर, ये सर हमारा क्या हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। सूर्य पर रह पा रहे, किसी तारे पर कोई जीवन है नहीं है ना, क्योंकि यदि पृथ्वी का प्रकाश होता तो यहाँ भी फ्यूज जो आपके पास में किस प्रकार की प्रक्रिया होती, शलियन की प्रक्रिया होती, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही होती, एनर्जी रिलीज हो रही होती, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, वो नहीं हुआ होता। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग करके चिल्ला रहे हो, यदि अपना प्रकाश होता तो जीवन नहीं होता। तीसरी स्थिति पर है बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है, तीसरे स्थान पर है पृथ्वी, बुध है शुक्र है पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, आइडियल लोकेशन पर है, इससे ज्यादा दूरी पर होते हैं उतना टेम्परेचर नहीं मिलता जितना जरूरी है, उससे कम दूरी पर है इतना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा कि जीवन सर्वाइवल नहीं है, शुक्र। हाँ उसका एक और कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से भी है, इसका मतलब है कि पृथ्वी की जो लोकेशन है, तीसरी पोजीशन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। समझ मारी बात है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। कैसे सर, बाकी क्या कैसे याद रहेगा सर? देखो बहुत आसान है इनकी साइज को याद करना, कैसे सर अभी बताते हैं। देखो देखो ये हमारे पास में पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी को छोड़ा हिंदी में तो नाम ध्यान है ना आपको, जैसे यहाँ सबसे पास में कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है, उसके बाद कौन है, पृथ्वी है, उसके बाद कौन है, मंगल है, उसके बाद कौन है, बृहस्पति है, उसके बाद सर कौन है, शनि है, उसके बाद कौन है सर, अरुण है, उसके बाद कौन है सर, वरुण है। ठीक है, सबसे बड़ा नाम देखो इनमें कौन है, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ग्रह, याद करने की कोई टेंशन नहीं, याद हो जाएगा, ये सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ग्रह, शुरू करो बृहस्पति से, इधर चले जाओ बाहर की तरफ, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं 4, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यांत्रिक ग्रह, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह, वो 4 आंतरिक ग्रह, ये 4 बाह्य ग्रह। बाहर चले जाओ, बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके आगे पहुंच जाओ शनि उससे छोटा, अरुण उससे छोटा, वरुण उससे छोटा, 4 हो गए। पैसे पृथ्वी, पैसे 5, पांचवें स्थान पर पृथ्वी हो गई, पांचवां स्थान। शुक्र को पृथ्वी की बहन बोली जाती है, सर भाई क्यों नहीं बोला जाता पता नहीं, पृथ्वी की बहन, भाई नहीं बहन है, भाई पृथ्वी हो जाएगा, सर पृथ्वी भी बहन है, ठीक है 2 बहन है, तो पृथ्वी की बहन हो गई, तो पांचों पैसे पृथ्वी, पैसे 5, बहन है तो बराबर की है, 6 पृथ्वी का, 7 बुध और मंगल 2 है, सबको पता है कि बुध एकदम शुद्ध है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा होगा तो 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पे बुध, सेट है। डिस्टेंस के हिसाब से भी बता दिया, बुध सबसे बाहर पहले, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सीक्वेंस के आधार पर
सर आकार के आधार पर बृहस्पति से शुरू करो, सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पांच पृथ्वी, पृथ्वी की बहन शुक्र छठा, मंगल सातवां, बुध आठवां, ऐसे याद कर लिया हो जाएगा ना। अच्छा तो पृथ्वी का पांचवा है, तो ये दो चीजें मैंने आपको याद करवा दी यहीं पे जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह देख ही लिया तुम लोगों ने, और आकार के हिसाब से पैसे पृथ्वी, पैसे पांचवा ग्रह, ध्रुवों पर ये चपटी है, वाह ये एक विशेष आकार है इसका। पृथ्वी का आकार जियोइड है, जियोइड है, कैसा आकार है पृथ्वी का, जियोइड है, जियोइड का मतलब होता है भू आभ। सर ये कौन सा आकार है, ये विशेष आकार है, इससे पहले नहीं सुना, विशेष है ये, सिर्फ पृथ्वी का आकार है। कैसे, पृथ्वी जैसे ये इस तरीके से बनी हुई है, तो इसमें आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यहां से थोड़ी दबी हुई है, दबी होने के कारण यह लिखा ना ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, चपटी है क्योंकि दबी हुई है। सर दब कैसे गई, पृथ्वी बहुत तेज गति से घूमती है, अभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे, उसे रोटेशन या घूर्णन कहते हैं, अपने स्थान पर घूमती है 1670 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है, अजीब लग रहा है 1670 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, इतनी स्पीड से अपने स्थान पर, इतनी स्पीड से घूमती है पृथ्वी। जब शुरुआत में बनी थी ना तब गैसों का गोला था, धीरे धीरे ठंडा होता गया, तरल अवस्था में आया, उसके बाद ठोस अवस्था में आया, शुरुआत में ये आग का गोला था, ठंडा हुआ, लिक्विड होगा, लिक्विड स्टेज में होगी, कोई चीज ऐसे घूमेगी ना ऊपर नीचे से पिंच करेगी, कभी घर में बिलोना करते देखा है, घी निकालते देखिए क्या हिलाते हैं ना उसको, ऊपर नीचे से दबता है, इसी कारण से पृथ्वी का आकार चपटा या जियोड हो गया, ध्रुवों से दबी हुई है, बीच में से ऊपर उठी हुई है, ये जियोड शेप कहलाता है, पृथ्वी का विशेष आकार है जियोइड। वो आपका अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार, विशेष आकार है वो आप, पृथ्वी का आकार भू आप, भू आप का मतलब पृथ्वी के समान है ना। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है, कारण बताया मैं, यहाँ का टेम्परेचर, सूर्य शेष की दूरी बहुत महत्व रखती है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, ये चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गई मौजूद है, इन्हीं कारणों ने पृथ्वी सौरमंडल को सबसे अद्भुत बना दिया है, हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पृथ्वी को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल दो ना, पृथ्वी का जो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है ना, मेंटेन नहीं रहेगा। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, कौन, पृथ्वी, कारण उसका पानी के कारण से, पानी की उपलब्धता के कारण से या पानी के कारण से आसमान से ये नीले रंग की दिखाई देती है। और आपको एक बात पता है कि दो तिहाई लगभग 71% पृथ्वी का भाग है पानी से घिरा हुआ है, और पानी से घिरा होने के कारण से ही पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि नीले ग्रह के रूप में निम्न में से किसको जानते हैं, पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी नीला ग्रह है, नीला होने का कारण पानी है, पानी की मात्रा लगभग इसका 2/3 कहते हैं, या 71% कह लो पानी है, 29% पे ही स्थल है, इतना पानी होने के बावजूद पीने का पानी 1% से भी कम है। भाई इसमें क्वेश्चन पूछा 2010 में, पेपर उठा के देखिए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नीला ग्रह बोलते हैं इसको, समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं, क्या आप जानते हैं क्या बताना चाह रही है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है,
देख लो कितनी दूरी होगी, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे सूर्य। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। तो बात करते हैं अपन चंद्रमा या मून की बात करते हैं, चंदा मामा की, बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। सर उपग्रह तो बहुत है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 है ना, GSLV, PSLV, GSAT, OceanSat, कृत्रिम है या प्राकृतिक की बात हो रही है। प्राकृतिक जो प्राकृतिक उपग्रहों की बात करें तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या एक, कौन है वो, चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। और जितना पृथ्वी का डायामीटर या व्यास है उस डायामीटर का 1/4 यही है। देख लो क्या सही, ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में नजदीक है। मैंने बताया था 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है याद रखना है। दो चीज ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा पर चंद्रमा पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग नजर आता है, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग नजर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा तभी हो सकता है कि इसमें दो प्रकार की गतियां हैं, एक गति घूर्णन है जिसे हम रोटेशन बोलेंगे, एक गति घूर्णन है जिसे हम रोटेशन बोलेंगे, एक गति परिक्रमण है, एक गति परिक्रमण है जिसको रिवॉल्यूशन या रिवॉल्व बोलेंगे। सर क्या है घूर्णन? मतलब घूमना, किसी चीज का घूर्णन, अपने ही स्थान पर घूमना, अपने ही स्थान पर घूमना, ये घूर्णन है, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, ये अपने स्थान पर इस तरीके से घूमे है, तो ये घूर्णन है। और किसी के चारों तरफ परिक्रमा करना, जैसे सूर्य जो है ये केंद्र में है, इस तरीके से सन है ये केंद्र में है और इसके चारों तरफ यदि मान लो कि इस तरीके से पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इसकी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। आप किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं, केंद्र में मंदिर होता है, आप चारों तरफ परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो परिक्रमण है, अपने स्थान पर घूमना। ये कभी खींच के पिताजी की झापट खाई हो तो जगह ही 2-3 बार घूमते हो आप, घूर्णन है ये। काल चंद्रमा की कंडीशन में यहां पर विशेष है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, घूर्णन कर लेती है, उसी कारण दिन रात बनते हैं, घूर्णन के कारण से दिन और रात बनेंगे, चंद्रमा पे भी बनेंगे, पृथ्वी पर भी बनेंगे, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। लेकिन परिक्रमण में 365 से 1/4 दिन का समय लगता है, 1 दिन 365 से 1/4, बहुत डिफरेंस। कोई पृथ्वी को देखेगा ना, हमेशा उसका एक ही भाग नहीं दिखेगा, कारण समझ में आया। जबकि चंद्रमा की स्थिति में 27 दिन में ही तो उसका घूर्णन है और 27 दिन में उसका परिक्रमण है, यानी अपने स्थान पर भी 27 दिन में घूम रहा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो भी 27 दिन में लगा रहा है, इसलिए हमेशा एक डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रहेगी, स्थिर प्रतीत होती है, एक ही दिशा दिखती है आपको। चंदा मामा जी एक साइड से दिखते हैं, दूसरी साइड मामी जी छुपा रखा, बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो ये बात समझिएगा, और 27 दिन है इसीलिए 14 दिन का लगभग दिन और 14 दिन का रात, 14 है ना, आधा आधा कर लो, आधा दिन हो गया आधा रात हो गया। जब ही हम लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा था तो उसी हिसाब से प्लानिंग करी थी कि 14 दिन के बाद कुछ टाइम था, उसके बाद नहीं दिखेगा कुछ, फिर 14 दिन वेट करना पड़ेगा,
लोगों को लगा कि इसलिए वहाँ रात बड़ी होती है, चंद्रमा पर चले भी गए ना, पानी वानी मिल भी गए, 14 दिन छोड़ना पड़ेगा, बोर हो जाओगे तुम लोग। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये रहा चंदा मामा, एक ही साइड से दिखेंगे ये आपको, यहाँ खड़े हो जाओ मामा जी, एक साइड से ही दिखते हैं आपको हमेशा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है क्या? अंतरिक्ष में तो गया, चंद्रमा पर नहीं गया। अंतरिक्ष में कौन गया बताइएगा? रशिया के साथ सारे से गए थे, अपना नहीं, अपना भेजेंगे थोड़े दिन। उपग्रह के बारे में यह बताया कि क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ कृत्रिम होते हैं कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। तुम किसी और के चक्कर लगाते हो, हम तुम्हारे चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं, या चक्कर है सब, हर कोई किसी के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूर्य के चरण चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। सर चंद्रमा के कौन लगा रहे हैं? चंद्रमा के जो हम भेज रहे हैं वो लगा रहे हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह जानते ही हो, बहुत भेजते हैं हमारे साइंटिस्ट इसरो विश्व में अग्रणी देशों में, अंतरिक्ष के मामले में हम विकसित देशों में। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए जाता है। टीवी देखते हो ना, उसी की देन है। जीपीएस चलाते हो, उसी की देन है। और कुछ सोचते हो, उसी की देन है। और क्या सर? मौसम के बारे में जानकारी, खनिज तत्वों के बारे में जानकारी, कृषि के बारे में जानकारी, मिट्टी के बारे में जानकारी, जंगलों के बारे में जानकारी, आपका घर भी दिख जाएगा, ठीक से देखिएगा। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एजुसेट, ओशियन सेट, कार्टू सेट, बहुत सारे ये कृत्रिम होते हैं। देखो रॉकेट का प्रक्षेपण दिखाया गया है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना दिखाया गया, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश दिखाया गया। एक बार यदि उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाए फिर इसे घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सर ऐसा क्यों? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी नहीं घूम रही बिना ऊर्जा के घूम रही, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रहा बिना ऊर्जा के घूम रहा, बाकी क्यों नहीं घूम सकते? अब यहाँ पर बात हो रही है क्षुद्र ग्रहों की, यानी एस्टेरॉइड्स की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछा गया था, एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह, ग्रह हैं भी नहीं, बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह या छोटे ग्रह के, ग्रह ही नहीं है एक तरीके से। कोई ग्रह रहा होगा, कहाँ रहा होगा सर अभी बताते देखो, कोई ग्रह रहा होगा, टूट गया होगा, टूटने के बाद में उसके बहुत सारे पार्ट्स बन गए होंगे और वो अभी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, ग्रह नहीं बन पाए, कम से कम क्षुद्र ग्रह तो बन पाए। एस्टेरॉइड्स का ये बेल्ट है, याद रखना, एस्टेरॉइड का बेल्ट है ठीक बीच में रखना। कैसे? चार अंदर रख लेना ग्रह, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, चार अंदर, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, चार बार बीच में हो गया, एक तो मंगल एक बृहस्पति। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, कोई ग्रह टूट करके इस तरीके के बहुत सारे छोटे 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 चट्टानों के टुकड़े बन गए हैं यहाँ पर, ये क्षुद्र ग्रहों की पोजीशन दिखाते हैं, एस्टेरॉइड सही, ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा एस्टेरॉइड्स गुजरते रहते हैं, अभी गुजरा एक वैज्ञानिक जो शोर मचाते हैं, ठीक है ना। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी बताया मैंने आपको, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, इसी ग्रह से टूट गए होंगे, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। समझ गए बात सारी, समझा देगा। ये रहा क्षुद्र ग्रह, ठीक है, निश्चित कक्षा में होते हैं, कई बार भटक भी सकते हैं यदि दूसरा आकर्षण कोष काम करे तो। अब आपके पास मेटियोरॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड समय समय पर पृथ्वी की सतह पर गिरते रहते हैं। आरएस मिन्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 2016 के अंदर, क्वेश्चन था उल्का पिंड झीलें क्या है, उल्का पिंड झीलें क्या है, उल्का पिंड झीलें क्या है, ये मेटेरॉइड्स लेक्स क्या है। कोई उल्का पिंड जो है, वैसे तो बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। ऐसा क्या होता है सर कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाते हैं? घर्षण होता है, जल जाते हैं, और आप इसको कहते हैं तारे का टूटना। वो तारे का टूटना नहीं है, तारा टूटेगा ना बच्चों के, नहीं, वो उल्का पिंड का गिरना होता है। तारा टूट रहा है थूको, कोई मतलब नहीं है थूकने का, तारा टूटता ही नहीं है, उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य के चारों ओर उनका इनका निश्चित पथ नहीं होता है, इसलिए भटक जाते हैं बेचारे, भटक करके अपने पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, घर्षण से जल जाते हैं। उसके बावजूद यदि ज्यादा बड़ा कोई उल्का पिंड है, जलेगा नहीं पूरी तरीके से, तो पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरेगा। पृथ्वी की सतह पर आकर के गिराएगा तो गड्ढा बना लेगा, उस गड्ढे में पानी भर जाएगा तो झील का रूप ले लेगा, उसी झील को उल्का पिंड झील कहते हैं। एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की लोनार झील। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, गिरते भी। आकाश गंगाएं, मिल्की वेस, देखो ये क्या है, एक से अधिक तारों से मिलकर के बनती है। लाखों की संख्या में तारे होते हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में तारे होते हैं, उनसे मिलकर के आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल भी आकाश गंगा का ही भाग है, मंदाकिनी या मिल्की वे का भाग है, ठीक है ना। सौरमंडल भी आकाश गंगा, मिल्की वे मंदाकिनी का। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। केवल तारे नहीं है, याद रखिएगा, तारों के साथ साथ में बादल भी हैं और गैसेस भी है, इनसे मिला करके आकाशगंगा का निर्माण होता है। मंदाकिनी या दुग्धमेखला हमारी आकाशगंगा कहलाती है, याद रखना, हमारी मिल्की वे ही, याद रखना, ठीक है। अब ब्रह्मांड के बारे में कुछ बात है, ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया आपको, असीमित है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड है, और आज भी इसका विस्तार हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो सर? टेलीस्कोप से देखने पर ये दिखता है कि कुछ जो स्टार्स वगैरह हैं वो रेड नजर आते हैं, कुछ चीजें में लाल नजर आती है। सर लाल नजर आने से क्या होता है? लाल नजर आने से बिबग्योर होता है, कोई चीज हमारे पास आएगी तो वी की तरफ शिफ्ट होगा, कोई चीज हमसे दूर जाएगी तो आर की तरफ शिफ्ट होगा, और उसका लाल रंग दिखाई देना उसका दूर जाना है। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना, इमेजिन करना मुश्किल है।
इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्मांड का ही है, यूनिवर्स का हिस्सा है, सब कुछ इसमें आता है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब हम दूसरा चैप्टर जो है करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सारी। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश एवं देशांतर। लैटिट्यूड्स लेटे हुए जो हैं, लॉन्गिट्यूड्स सर लॉन्ग का क्या मतलब, जो लॉन्ग है ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग लॉन्ग खड़े, देशांतर मतलब जिनके बीच में देशों का अंतर है। किस आधार पर सर देशों का अंतर है? जिनमें समय का अंतर है, जिनमें समय का अंतर है। सर समय का अंतर क्यों है ये इस क्लास में आप समझोगे, इसलिए है कि सूर्योदय सभी स्थानों पर एक समय नहीं होता, सूर्योदय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग समय होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, इसलिए देशांतर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है ये किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है। किसी स्थिति के बारे में या किसी जगह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पढ़ते हैं, साथ साथ बताता चलूंगा। अक्षांश एवं देशांतर, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये चपटी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये कह रहा है कि काल्पनिक रेखा यानी जो भी लाइंस हम खींच रहे हैं वो सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई लाइन खींची नहीं गई है, इमेजिन कर ली गई है। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी इस तरीके से, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाया गया, मिला करके इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी गई, इमेजिनरी लाइन। ये क्योंकि बीच में खींची गई है इसलिए इस लाइन को किसके बीच में, भू के मध्य खींची गई है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहेंगे, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहेंगे, इसलिए इसे इक्वेटर कहेंगे। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ये बीचों बीच है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। सर सर्कल क्यों कहा जाता है? इस तरीके से पृथ्वी है, एकदम बीच में से खींचा गया, पूरी पृथ्वी को कवर करेगी कि नहीं करेगी ये लाइन, सर्कल बनाने में, इसलिए इसे सर्कल कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। ये सर्कल है, सिर्फ यही सर्कल है या बाकी जो लेटिट्यूड्स खींचे जा रहे हैं वो भी सर्कल है? सभी सर्कल है। तो जो भी अक्षांश खींचे जाएंगे वो सर्कल होंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी ये जो 0 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रूप में या उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है, जबकि ये दक्षिण वाला जो भाग है, ये वाला हिस्सा जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसे दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा या इसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखो ये पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 0 डिग्री, और भी बहुत सारी लाइंस होंगी। कितनी होंगी सर? बहुत सारी लाइन खींच दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते या 90 डिग्रीज हो जाएगी, 90 हो जाएगी। टोटल कुछ प्रोमिनेंट लेटिट्यूड्स भी है, 23.5 डिग्री, 65 डिग्री, वो इंपॉर्टेंट है वो बाद में। ये इस तरीके से 90 इधर हो जाएंगे, 90 इधर हो जाएंगे,
सारे सर्कल नहीं होंगे, 90-90 वाले पॉइंट होंगे, ये आपके पास में लेटे हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से लेटे हुए हैं, इसलिए इनको लैटिट्यूड या अक्षांश बोलेंगे, इनको लैटिट्यूड या अक्षांश बोलेंगे, ठीक है ना। सभी समांतर वर्तों को, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर वर्तों, समानांतर है, इक्वी डिस्टेंस है, इन सब के बीच की दूरी बराबर होगी, ये सभी समान दूरी पर स्थित है, इक्वी डिस्टेंस है। दक्षिण में भी जाओगे, यहाँ भी ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, बराबर है, इसलिए समानांतर है। जीरो और वन के बीच में, वन और टू के बीच में, टू और थ्री के बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहेगी, और जहाँ डिस्टेंस इक्वल होती है दो लाइनों के बीच की, इस तरीके से सीधी नहीं बनी गई, तो इनके यदि दो लाइन है जैसे ये है और ये, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे की पैरेलल लाइन्स या समानांतर रेखाएं कहलाएगी। अक्षांशों को अश में मापा जाता है, डिग्री में मेजर करते हैं। विश्वत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी जीरो डिग्री को दिखाएगा, क्योंकि विश्वत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको ये बांटा गया, लेकिन देखो ये जीरो डिग्री हो गया, और यहां तक आप जाओगे तो इस तरीके से 90 अक्षांश हो जाएंगे उत्तर में और 90 ही हो जाएंगे दक्षिण में, क्योंकि 360 टोटल है, तो इस साइड में कितने होंगे, 360 टोटल है, तो इस साइड में 180, उस साइड में भी 180, विषुवत रेखा के ऊपर 90, विषुवत रेखा के नीचे भी 90, इस तरीके से 360 को एक चौथाई हिस्सा 90 अंश होंगे, 90 विषुवत रेखा के ऊपर हो जाएंगे, 90 विषुवत रेखा के नीचे हो जाएंगे, ये बात यहाँ समझाई गई है। ये देखो इस तरीके से, ये आपके पास विषुवत वृत्त हो गया, ये अलग अलग है 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिखाए गए हैं, 20, 40, 60, 80, ये देखो ये 90, ये इधर हो गए यहाँ तक, 90 इस साइड में, यहाँ हो जाएगी 180, फिर इस तरह से, इस तरीके से बताया कि टोटल 360 है, तो 90-90 बांट लिया हमने। अपने स्थान से ध्रुवीय तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक उत्तर ध्रुवे को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका वेलो हेरिस ओरिजोंट, क्या दोनों एक ही अक्षांश, 20 अक्षांश, ठीक है। मैं कह रहा है कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील जो है उसका एक जगह है ये वेलो ओरिजोंटे, वेलो ओरिजोंटे दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर है, हो सकता है क्या इशू, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर मान लो कि इंडिया है, यहाँ से 20 डिग्री अक्षांश यहाँ गुजर रहा हो, पूरी एक सर्कल बनाया गया, तो महाराष्ट्र के अंदर की ये बिंदु होगा और ब्राजील में से भी गुजरेगा, बहुत सारे होंगे दो क्या, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में होंगे, अच्छा दक्षिण में, दोनों सेम है लेकिन उत्तर वो उत्तर में और दक्षिण में, ऐसा स्थान इतना फेमस नहीं है कि दिमाग में, ये वो उत्तर में है ये दक्षिण में, तो फर्क पड़ता है उत्तर और दक्षिण से। अब देखो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है। देखो ये सन है, ये सूर्य, ध्यान से समझना इस बात, इससे लाइट आती है, ये लाइट अभी अगले चैप्टर में काम आएगा, ये विषुवत रेखा पर सीधी गिरती है, विषुवत रेखा पर वर्ष में दो बार सीधी गिरती है, कब कब गिरती है सर, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी गिरती है, लेकिन मार्च के बाद शिफ्ट होता है सूर्य उत्तर की तरफ, अप्रैल मई जून में सूर्य यहां सीधा चमकता, थोड़ा सा शिफ्टिंग है, सूर्य जून में यहां सीधा चमकता है, ये पोजिशन 21 जून की है, फिर धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट होना सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर आते आते वापस विषुवत रेखा पे चमकेगा सीधा, आपके पास में क्या हो गया सितंबर हो गया ना, हाँ फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, और 22 दिसंबर को फिर ये मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। ये विषुवत रेखा है जो कि बीचों बीच जा रही है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ में ट्रॉक्यूपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, इसी के उत्तर में
66 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल है, उत्तर ध्रुव वर्त लिखा है लेकिन इसे आर्कटिक सर्कल मानिएगा, आपको यहां से दिख नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आर्कटिक सर्कल है। ऐसे ही 66 डिग्री साउथ में चले जाओ तो अंटार्कटिक सर्कल है, इस तरीके से उष्णकटिबंध कहते हैं। देखो ये जो इनके बीच का पॉइंट होता है, यहां मैं बता देता हूं आपको, सही डायग्राम दिखाने यहां पर देखो, ध्यान दिया नहीं मैंने, पहले यहां पर था ये स्क्रीन की पोजीशन, फिर यहां शिफ्ट हो गई, ध्यान दिया नहीं मैंने, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इनमें कर्क रेखा पर मैंने कहा कि साल में एक बार 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, इस मकर रेखा पर भी सूर्य साल में एक बार 22 दिसंबर को एक बार सीधा चमकता है, विषुवत रेखा पर दो बार, एक बार कर्क रेखा की तरफ जाएगा तब एक बार नीचे मकर रेखा की तरफ आएगा, दो बार साल में दो बार सीधा चमकता है, ठीक है ना। तो लेकिन इससे उधर शिफ्ट नहीं होगा, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगा सर, और इधर मकर रेखा से नीचे नहीं जाएगा, मुख्य कारण उसका यह कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, टिल्टेड है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष जैसे ये है, इससे यहां 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है, 25 होती तो 25 तक शिफ्ट होता, 30 होता तो 30 तक शिफ्ट होता, 23.5 से ऊपर नहीं जाता, तो उसी आधार पर 23.5 डिग्री झुकी है, जहां तक सूर्य उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है उसे कर्क रेखा, प्रदक्षिण में जहां तक शिफ्ट होता है उसे मकर रेखा के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहीं के बीच में सन जो है मूव करता रहता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, सूर्य जहाँ ज्यादा समय के लिए रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से ये क्षेत्र हीट सरप्लस वाला रीजन है, ये हीट सरप्लस वाला रीजन है, मतलब जितना प्रकाश आता है उससे कम वापस आता है, तो ये हीट सरप्लस वाला रीजन है, हीट सरप्लस वाला रीजन है, ऐसे रीजन को उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो 0 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से ही 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, सूर्य की पोजीशन इन दोनों के बीच में ही रहती है सालों भर, इसलिए यहां ज्यादा गर्म होने के कारण से इसे ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन या इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखना है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से सर? एक तो मैंने बता दिया कि ये 0 से 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। देखो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त है, ये 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सबसे ज्यादा हीटिंग कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा होने के कारण उष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं, ट्रॉपिकल के रूप में जानते हैं, तो कटिबंध मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी। ये जो क्षेत्र है 23.5 और 66 के बीच, इसको 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में हो चाहे साउथ साउथ के बीच में,
इस क्षेत्र को थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, तो उसमें उष्ण का भी प्रभाव हो जाएगा, शीत का भी प्रभाव हो जाएगा। ये क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है, टेम्परेट कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। या ये क्षेत्र जो है ये टेम्परेट कहलाएगा, टेम्परेट जोन होगा। और एकदम दक्षिण में चले जाओगे 65.5 से 90 के बीच, तो ये 90 के आसपास वाला रीजन जमा हुआ रहता है, तो इसे शीत ध्रुवे या शीत क्षेत्र कहते हैं, फ्रीज्ड रीजन है, जमा हुआ। तो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, 23.5 से 66 के बीच में उष्ण का भी प्रभाव, उच्च अक्षांशों का भी प्रभाव, 0 डिग्री निम्न अक्षांश, 0 से उच्च अक्षांश 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, उच्च अक्षांश कहलाता है। 23.5 से 66 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से 90 डिग्री शीत कटिबंध, इस तरीके से ये रीजन होते हैं। यह समझाया गया, देखो क्या कहा है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, ऐसे प्रदेश को टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, वो सारी अलग हिंदी अजीब तरीके से करी गई, इसे शीत कटिबंध कहते हैं, मैंने जो समझा दिया वही बात है, हिंदी थोड़ी खतरनाक है एनसीईआरटी की, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, ये रीजन जो है 0 से 23.5 डिग्री, ये उष्ण कटिबंध है, ये देखो 23.5 से 66 डिग्री ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, 65.5 से 90 डिग्री ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ऐसे ही ये अगेन आपके पास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, ये क्षेत्र हो जाएंगे, मैं तो पूर्ण अक्षांश है ताप कटिबंध हो जाएंगे। अक्षांश खत्म। अब पूछ रहा है कि देशांतर क्या है, देशांतर देशों के बीच का अंतर है, क्या है सर देशों के बीच का अंतर, क्या मतलब हुआ सर देशों के बीच का अंतर, किसका अंतर है? अभी मैंने शुरू में समझाया, समय का अंतर, समय का अंतर, क्यों समय का अंतर है सर? सूर्योदय की स्थिति, सूर्य की स्थिति के कारण, सूर्योदय की स्थिति के कारण, सूर्योदय की स्थिति के कारण, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर स्थित है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, एक पूर्व में एक पश्चिम है ना, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मोतर कहते हैं। समझाता हूं, देखो ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए लंदन इंग्लैंड के अंदर एक प्रयोगशाला में, लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई ग्रीनविच लेबोरेटरी के अंदर, और वहीं से एक 0 डिग्री लाइन खींच दी गई, उसे हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक, जैसे ये 0 डिग्री होता है उसके ठीक अपोजिट, जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री के ठीक अपोजिट 180 डिग्री है, और इसके 0 डिग्री के इधर 179 तक, 1 2 3 ऐसे करके आप 0 से 180 तक जाओगे तो ईस्ट पड़ेंगे, इधर जाओगे तो आप वेस्ट पड़ेंगे। तो देखो 90 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम अलग अलग है, 60 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पश्चिम अलग अलग है, 30 डिग्री पूर्व 30 डिग्री पश्चिम अलग अलग है, 100 डिग्री पूर्व 100 डिग्री पश्चिम अलग अलग होंगे, लेकिन 180 डिग्री पर दोनों जा करके मिल जाएंगे, इसलिए 0 डिग्री और 180 डिग्री दो कॉमन लाइन्स हैं, बाकी दो भागों में बांट दिया, 180 इधर 180 इधर, इनको देशांतर खड़ा बोलते हैं। अब पृथ्वी देखो, जैसे यहाँ पर सन की स्थिति है, इस तरीके से सन की पोजीशन है,
जहां सन की लाइट पड़ेगी वहीं पर तो उजाला होगा, अभी 90 डिग्री पर पड़ रही है यहां उजाला हो गया, तो पृथ्वी इधर घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो अब 80 डिग्री इसके सामने आएगा, फिर 60 डिग्री इसके सामने आएगा, फिर 40 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, फिर 15 डिग्री आएगा, फिर 0 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय किधर हो रहा है, इधर वाली साइड, धीरे धीरे 90, 89, 80 इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले 179 डिग्री ईस्ट पर सूर्योदय होता है, फिर 178 पे होता है, फिर 177 पे होता है, फिर 170 पे होता है, 165 इस तरफ चलता है। इसलिए इधर वाले स्थान, ईस्ट वाले स्थान आगे होते हैं, वेस्ट वाले पीछे होते हैं। हमसे बांग्लादेश आ गए, वियतनाम आ गए, जापान आ गए, जापान सबसे आगे, सूर्योदय का देश बोला जाता है। इधर हमारे पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए, यूरोप हो गए, अमेरिका हो गए, ये सब पीछे, इधर वाले आगे, इधर वाले पीछे। कितने आगे और कितने पीछे? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पूरी घूम जाती है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में घूमेगी 360 बट्टा 24 लगभग 15 डिग्री, यानी एक घंटे में 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, समझ गए? कोई यदि हमसे 15 डिग्री ईस्ट में आगे है, वो हमसे 15 इंटू 4 एक घंटा आगे होगा। कोई हमसे 60 डिग्री आगे, 60 इंटू 4 240 मिनट आगे होगा, समझिए 8 घंटे आगे होगा हमसे। पश्चिम में कोई, हम 0 डिग्री पर है, कोई 15 डिग्री पश्चिम में या 30 डिग्री पश्चिम में, जैसे हम 0 डिग्री पर है, 30 डिग्री पश्चिम में कोई होगा, 30 डिग्री इंटू 4 120 मिनट हो गया। ये वाला स्थान हम यहाँ से लंदन से, सॉरी लंदन से 0 डिग्री से 2 घंटा पीछे। इधर वाला जो 30 डिग्री है, ये वाला, ये आगे, ये 2 घंटा आगे होगा इस 0 डिग्री से। ऐसे इस 0 डिग्री से इधर आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो 82.5 डिग्री आता है। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 330 आता है। 330 को 60 से डिवाइड करते हो तो 5.5 घंटा आता है। इसलिए हम 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे, और 0 डिग्री से पर लंदन है, तो हम लंदन से 5.5 घंटा आगे, सूर्योदय हमारे यहाँ लंदन से 5.5 घंटे पहले हो जाता है। हम लंदन के लोगों से, ब्रिटेन के लोगों से, यूरोप के लोगों से 5.5 घंटे पहले जगते हैं। हमारे यहाँ हर समय उनसे 5.5 घंटे पहले होता है, हम उठते उनसे पहले, सारे काम उनसे पहले करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया था। तो जल्दी उठने वाले तो बहुत बड़ा काम करेंगे, ये मत सोचिएगा, लेट उठने वाले भी शासन कर सकते हैं, ठीक है। देशांतर क्या है अब समझो, ये अर्धवृत्त है, यानी पूरे सर्किल नहीं है, हाफ सर्किल, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, या सभी देशांतर या मुद्रा आपस में, देखो इसको देखो, या सभी के सब मिल रहे हैं, जबकि ये जैसे 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री कहीं मिल नहीं रहती, सबके सब मिल रहे हैं, नीचे जाकर भी सब मिल जाएंगे। और आप देख रहे हो कि ये 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में इस साइड जाएंगे तो इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, और ये विषुवत रेखा के ऊपर जाकर के दो अक्षांशों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, सॉरी दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, दो देशांतरों की। तो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है कहां पर? विषुवत रेखा पर। फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर फिर कम होती है, और ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाती है, और यहां जाकर के मिल जाती है। 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच लाइन कहलाती है, ग्रीन मेरिट जो मेरिडियन कहलाती है, प्रधान यामोत्तर कहलाती है, ये सारे नाम इसी के। 180 डिग्री जो लाइन है वो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। क्यों सर? क्योंकि इससे तिथि चेंज हो जाती है, यदि इस साइड में सोमवार है तो उस साइड में मंगलवार हो जाता है, इस कारण से 180 डिग्री को याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन, 0 डिग्री के आधार पर समय का निर्धारण है। ये आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्रों की लंबाई समान होती है, ये लंबाई में समान होते हैं, जबकि अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री था,
ऊपर जा रहे थे, 90 सबसे छोटा था। लेकिन सभी देशांतरों की समान लंबाई होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं होती। इसलिए ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोतर को प्रमुख यामोतर कहते हैं, मैंने बता ही दिया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। 180 डिग्री ईस्ट में जा सकते हैं, 180 डिग्री वेस्ट में जा सकते हैं, 0 के ठीक पीछे 180 डिग्री मिलेगा। प्रमुख यामोतर तथा यामोतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। 0 डिग्री के आधार पर देख लो तो ये पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न, जैसे इधर हो गया आपके पास में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 0 से 180 डिग्री तक, ये आपके पास में सॉरी ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा आपके पास में वेस्टर्न हेमिस्फेयर 180 डिग्री तक यानी पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हमारे पास में पूर्वी गोलार्ध, ये हमारे पास में पश्चिमी गोलार्ध, इधर ये हमसे पीछे पश्चिम, पै से पश्चिम, पै से पश्चिम, सर पू से पूर्व होता है ना, पै होता है, पै से पीछे का, सर इसमें पूर्वी है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे याद रखो कि पूर्व में जाते हैं आगे, ये हमसे पीछे, ठीक है। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोतर एक ही रेखा पर स्थित है, ये बताई दिया मैंने। देशांतर और समय की गणना किस आधार पर की जाती है, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग, 6th क्लास में बताई इतनी बार। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परिछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी हो जाती है। बताइए हम लोगों, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी हो जाती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी, सभी जगह हमारे होती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में 0 डिग्री के पूर्व में वो आगे होंगे, और जो पश्चिम है वो पीछे होंगे। सारी बातें मैंने आपको समझा दी है पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण। जैसे हमारे पास ये 0 डिग्री है ग्रीनविच, यहां पर सूर्य है, यहां सन की पोजीशन है, ये अब इधर से घूमना शुरू करेगी तो ये सबसे पहले आएगा टच में, इसके बाद ये आएगा, 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 ठीक है ना। इस तरीके से आगे और पीछे होता है। 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसके अब तिथि रेखा होती है, ये कई बार मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई होने का कारण ये है कि डेट बदल जाती है। जैसे मान लो कि इधर इस साइड में मान लो कि सोमवार है, तो सर मंगलवार होगा, ये मंगलवार होगा तो यह सोमवार होगा, है ना। तो यदि अब एक ही स्थान, जैसे मान लो कि ये वाला ही जगह है, ये दोनों एक ही देश के कण हैं, तो इधर वाले इसको मंगलवार कह रहे हैं, इधर वाले सोमवार कह रहे हैं, अजीब लगेगा। इसलिए इंटरनेशनल डाइट लाइन को समुद्र में इधर इधर जिग जैग करवा दिया जाता है, और कोई कारण नहीं। ये गणना मैंने आपको सारी बताई थी, ठीक है। अब देखो ये 82.5 डिग्री, ये भी बता दिया मैंने कि इधर 0 डिग्री है, उससे हम लगभग 82.5 डिग्री ईस्ट में, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 डिग्री में 4 330/60, 5.5 घंटे में आगे हो गए। लेकिन यदि इंडिया की पोजीशन देखोगे तो इंडिया की पोजीशन यहाँ से शुरू होती है, ये 68 डिग्री दिया, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स, यानी कि बीच में यदि आप अंतर देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 30 × 4 लगभग 120 मिनट का अंतर हो गया। तो ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये यहाँ पर गुजरात कच्छ वाला क्षेत्र है, गुजरात से 2 घंटे आगे है, 2 घंटे आगे है, ठीक है। ये बाकी सारी बातें बताइएगा। ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं अपन लोग पृथ्वी की गतियां, कि कौन कौन सी पृथ्वी की गतियां होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, इंटरेस्टिंग है ये सब। गतियां दो तरह की बताई हुई,
दो तरह की कौन कौन सी बताई हुई है सर? दो मैंने अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले, एक घूर्णन है, एक परिक्रमण है ना। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना, जो कि पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा जो 365 से ही 1/4 दिन में करती है, सुविधा के लिए 1/4 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन है और दूसरी परिक्रमण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, बताई दिया मैंने आपको। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे? देखो ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं कि अक्ष है, ये पृथ्वी का कक्षीय तल है और पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री इस तरीके से टिल्टेड है, झुकी हुई है। यहां से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहां से ये कितना एंगल बनाएगी? 66.5 डिग्री बनाएगी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त करेगा। सही बात, दिन और रात इसीलिए बनते हैं। जैसे देखो ये पृथ्वी है, यहां पर सन है, सूर्य की पोजीशन है, सिर्फ ये हिस्सा अभी सामने इसके, तो यहां पर दिन है, इस साइड में दिन हो गया, ये हिस्से पर रात हो गई। पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन करेगी 24 घंटे में, 12 घंटे बाद में ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, तो ये इधर आ जाए और ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये इधर चला जाएगा, तो इधर बन जाएगी दिन और इधर हो जाएगी रात। सॉरी, इधर हो जाएगा वापस, इस साइड में हो जाएगा, आ जाएगा दिन और इधर हो जाएगी रात। रात को सूर्य कहाँ जाता है पता नहीं, सूर्य के और क्या है, सूर्य के एक भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है, जो मैंने समझाया वही बात है। ग्लोब पर विवर्त दो वर्त को दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वर्त बोलते हैं। जैसे देख पृथ्वी है, ये हो गया वृत्त तरीके से, यहां मान लो हो जाएगा ना, इस साइड में दिन हो गया, इस साइड में रात हो गई। इस आधार पर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है ना, ये मैंने बताया था ना आपको, ये 23.5 डिग्री कक्षीय समतल पर लंब, और ये देखो कक्षीय समतल है, ये 66.5 डिग्री इस तरीके से टिल्टेड है, ये इस तरीके, इसीलिए ये 23.5 डिग्री तक सन की लाइट पहुंचती है। देखो ये सारी पोजीशन इस कारण से बनी हुई है, दिखाया हुआ ना, मैंने बताया था आपको पहले, इसी कारण से ये सारी चीज़ें। ये रहा प्रतिदीप्ति वर्त, देखो ये जिसमें इस साइड में सन की लाइट दिख रही है, इस साइड में नहीं दिख रही है ना, आधा भाग बताने वाला। अब देखो पृथ्वी की गतियों में एक परिक्रमण गति है और एक आपके पास में घूर्णन गति है। इस 6 दिन घंटे की जगह हम 365 दिन मानते हैं, किस आधार पर होती है देखो, ये इस तरीके से चार गतियां हमारे पास। सूर्य बीच में है, इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसको हम परिक्रमण कहेंगे। एक तो इस हमको क्या बोलेंगे, इसको परिक्रमण बोलेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर जो है वो ध्यान देने वाली, वो ये बात है। क्या बात है सर? वो बात ये है, एक सेकंड में चेक कर लो इसके, तो ठीक है ना, पता चला उस दिखे नहीं, नहीं ठीक है ओके। तो देखो क्या बात कर रहे थे हम लोग, देखो ये हमारे पास में सन है और उसके चारों तरफ पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, तो एक तो इसके परिक्रमण हो गया, परिक्रमण यानी परिक्रमण हो गया, परिक्रमा कर रही है। तो इस सूर्य ये देखो चार सीजन्स बन रही है, ऋतुएं बन रही होगी, गर्म ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु, जो ऋतुओं में बदलाव होता है
जो ऋतुओं में परिवर्तन है वो परिक्रमण के कारण है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो ऋतुओं में बदलाव होता है, वो परिक्रमण के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर, लगभग 365 सही 1/4 दिन में ये अपना चक्कर या पूरा कर लेती है इस तरीके से चारों तरफ। और इसे हम एक वर्ष मान लें तो एक वर्ष को 4 भागों में बांट लें तो हर 3 महीने की एक सीजन हो जाएगी, एक मौसम हो जाएगा। होते भी हैं ग्रीष्म ऋतु, होते हैं मानसून, होता है ना। और आपके पास में मानसून के बाद में उसको क्या बोलते हैं, शीतकाल होता है, और एक क्या बोलेंगे, शरद होता है। 4 हो गए, शरद और शीत एक जैसे लगते हैं, लेकिन ग्रीष्म, बसंत, शरद और शीत 4 ऋतुएं हो जाती है हमारी, 3 3 महीनों की। उसमें होने वाला बदलाव, जहां पर सूर्य की स्थिति होगी एकदम सीधी वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, जहां पर शीत नहीं पड़ेगी वहां पर शीत ऋतु होगी। कैसे सर? ये देखो, ये 0 डिग्री है, देखो ये कर्क रेखा है, ये आपके पास में मकर रेखा है, ठीक है ना। अभी सूर्य की जो स्थिति है, आप यदि देखोगे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये 0, सॉरी ये 0 डिग्री, ये वाली स्थिति 0 डिग्री है। ये आपके पास कर्क रेखा है, ये आपके पास इधर मकर रेखा है, ऐसे समझ लो ना। अब होगा क्या शरीर में, 0 डिग्री के ऊपर देखो अभी सीधी पड़ेगी सन की लाइट, इस 0 डिग्री के ऊपर 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है ना। और मार्च के बाद देखो अप्रैल मई और ये आ गया आपके पास में जून, जून 21 जून आ गया, 21 जून को जो सन की स्थिति है ये कर्क रेखा के ऊपर सीधी है, कर्क रेखा पर लाइट सीधी पड़ रही है 21 जून। इसे समर सोल्स्टिस या उत्तर एनाद बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर देखो जून के बाद वापस ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ है जुलाई अगस्त सितंबर पे वापस विषुवत रेखा पे पहुंच गया, देखो पहुंच जाएगा वापस। तो जब वापस पहुंच जाएगा ये विषुवत रेखा के ऊपर, तो इसे हम 23 सितंबर की स्थिति होगी, इसे हम शरद विषुव बोलेंगे, यानी ये 23 सितंबर की स्थिति, इसे शरद विषुव बोलेंगे, जबकि ये 21 मार्च की स्थिति थी इसे बसंत विषुव बोलते हैं। विषुव मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है, बसंत स्प्रिंग इक्विनॉक्स ओटमन इक्विनॉक्स ऐसे बोलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से साउथ में शिफ्ट होना होगा, तो सितंबर बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मकर रेखा पर चला जाएंगे, इस तरीके से मकर रेखा बना जाएगा, है ना, साउथ में आ जाएगा। तो ये 22 दिसंबर की स्थिति हो जाएगी, इसे समर विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे या दक्षिणी एनांत बोलेंगे। तो 4 ऋतुएं हो गई हमारे पास, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा है, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा है, फिर अगेन आपके पास में 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर है, फिर आपके पास में 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा पर है। तो इस तरीके से ये 2 विषुव की स्थितियां हो गई, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और 21 जून और 22 दिसंबर की जो स्थितियां हो गई ये हो गई आपके पास ग्रीष्म एनांत शीत एनांत की, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस की, ठीक है। तो पृथ्वी गतियां देखो, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के वे 6 घंटे, मतलब हाँ 6 घंटे मिलकर के एक दिन बनाएंगे, जिसे लीप ईयर कहते हैं, जो कि 366 दिन का हो जाएगा, डेज का हो जाएगा, होता है ना, फरवरी 29 डेज की हो जाती है, फेब विल बी 29 डेज, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, 28 की जगह 29 हो जाती है, उसे लीप वर्ष कहते हैं, ये बता ही दिया मैंने आपको, 366 दिन की हो जाती है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैंने बताया इलिप्टिकल शेप में लगाती है, एक बार देखो जैसे ये सन है, एक बार पास आ जाएगी एक बार दूर चली जाएगी, एक बार पास आ जाएगी एक बार दूर चली, इस तरीके से होता है। एक वर्ष की गर्मी सर्दी बसंत एवं जो आपके पास शरद 4 ऋतुओं में बांट दिया इसको, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के कारण से होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया।
21 जून को इनमें सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, हमारे यहाँ सबसे छोटी रात होती है, होगा उत्तरायनांत या समर सोलिस्टिस बोलेंगे। जून में हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसे समर सोलिस्टिस बोलेंगे। और सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को दक्षिणायनांत होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा, मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। जब जहां पर सीधा चमकता है वहां दिन सबसे बड़ा, रातें सबसे छोटी होती है। तो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा, जबकि रात सबसे छोटी होगी, घटना 24 घंटे में से ही। 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी, इस तरीके से होगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, मैंने बताया था अभी आपको, तो यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव या इक्विनॉक्स की कंडीशन बोलते हैं, दोनों तरफ बराबर होगा। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, ये मैंने बता ही दिया। 21 मार्च को इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, अलग बोलते हैं उस हिसाब से। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। ये तीसरा चैप्टर भी कम्प्लीट, चार स्थितियां मैंने, और कुछ नहीं। अब मानचित्र, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में ही नहीं पता चलता, तो उनके लिए पृथ्वी की सतह एक भाग चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, छोटे मानचित्र, बड़े मानचित्र, कई मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है, ठीक है ना। कई मानचित्र एक साथ इकट्ठे कर लो तो एटलस होता है, दुकानदार के पास जाते कहते एटलस दो, तो वो एक बड़ा सा पोथा समाता है, वो एटलस है। और इसके अलग अलग पैमानों का प्रयोग किया जाता है एटलस के अंदर, ध्यान रखना। जैसे भौतिक उच्चावच मानचित्र है, फिजिकल मैप है ये। सर फिजिकल मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो फिजिकल मैप के अंदर पर्वत के बारे में जानकारी होगी, जैसे क्लास वगैरह में पढ़ाते हैं तो कहते हैं देखना पर्वत होते हैं, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये आपको फिजिकल मैप में लोकेशंस दिखेंगे, ये फिजिकल मैप के अंदर आपको लोकेशंस दिखेंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से राजनीतिक मानचित्र भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है। जैसे किसी सिटी का नाम लिया जाए, गांव, शहर, नगर, ये राजनीतिक केंद्र होते हैं। तो दो एक ही, जैसे इंडिया का फिजिकल भी होता है, इंडिया का पॉलिटिकल भी होता है। जब भी आप कोई मैप मांगने चाहेंगे, जो दीवार पे लगाने वाला मैप होता है, वो पूछेंगे फिजिकल या पॉलिटिकल। यदि आप फिजिकल मांगेंगे लाएंगे, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पर ये पर्वत तो टाइप के स्ट्रक्चर, बुरे बुरे कलर के रंग बनाए, कहीं ग्रीन बनाए हुए, कहीं और टाइप की स्ट्रक्चर बनाई हुई दिखेगी, है ना, वो फिजिकल मैप। यदि आप पॉलिटिकल मांगे तो वहाँ सिटीज ही सिटीज होगी ना, शहरों के नाम होंगे, शहरों के नाम होंगे, गाँव के नाम होंगे। यदि किसी जिले का लाओगे तो गाँव के मिलेंगे, देश का लाओगे तो बड़े शहरों के मिलेंगे, राजस्थान का लाओगे तो तहसीलों के मिलेंगे, है ना। विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक जो मानचित्र होता है ना, इसके अंदर विशेष जानकारियां होती है। जैसे सड़क का मानचित्र है, परिवहन का, ट्रांस जो आपके पास में है, टूरिज्म से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है, वन या उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र है, किसी विशेष चीज़ को दर्शाने वाले, उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। और इनके तीन घटक होते हैं, दूरी होती है, डिस्टेंस होते हैं, कई बार इसके पैमाने का यूज़ करते हैं, कई बार रफ यूज़ करते हैं। इसमें दिशा का बोध है, ऊपर की तरफ रखोगे तो नॉर्थ होगा, डायरेक्शन का बोध, और बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे दूरी है तो वास्तविक दूरी भी ली जाती है मानचित्र पर दिखाई दूरी, पैमाना भी प्रयोग किया जाता है अनुपातिक रेशियो के अंदर, जैसे 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से पैमाने का भी प्रयोग होता है। छोटा पैमाना बड़े क्षेत्रफल वाले भाग के लिए, बड़े पैमाना छोटे क्षेत्रफल वाले भाग के लिए, कोई बहुत छोटा एरिया है तो उसको बड़े पैमाने पर, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो छोटी चीज़ को दिखाने के लिए उस तरीके से बता सकते, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, छोटी चीज़ को दिखाने के लिए बड़े का यूज़ करें। इस तरीके जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया आपके पास में, इस तरीके सिंबल्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। वेल है यहाँ पर स्कूल है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखो बना हुआ है, प्ले ग्राउंड के इस तरीके के घास वगैरह जो होती है उसको इस तरीके से, ट्री है, ये शॉप्स है, इसके लिए अलग अलग सिंबल्स यूज किया जाता है। देखो अभी दिखेगा आपको कौन कौन से सिंबल, दिशा वगैरह, उत्तर पश्चिम, ये बता ही दिया मैंने। एक कंपास होता है,
जिसके आधार पर भी हम दिशा का निर्धारण करते हैं। जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में, चुंबक वाला होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में उसकी सुई ठहरती है, उससे हम दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ये दिक्सूचक है, दिशा बताने वाला, ठीक है ना। ये उत्तर दक्षिण में ठहरेगी इसकी सुई। प्रतीक भी होते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, अक्षर यूज किए जाते हैं, छायाओं का यूज किया जाता है, रंगों का, पर्वतों को बुरे रंग से दिखाए जाएंगे, नदियों को नीले से दिखाई जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग रंग प्रयोग, चित्रों रेखाओं का प्रयोग होता है, चिन्ह यूज होते हैं, आकृतियां यूज होती है ना, इसलिए कि ताकि यदि लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो जब हम नोट्स बनाते हो इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो। कौन से कलर है तो मैंने इसके लिए प्रयोग कराया है, ये इस चीज को दिखाएगा, ये इस चीज को दिखाएगा, चार पांच कलर, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दो चार महीने स्टडी करो, तब दो दिन स्टडी में कोई कलर यूज नहीं होते। देखो ये दिखाया हुआ है, रेलवे लाइन को दिखाने का है, ये बड़ी रेल लाइन है, इस तरह के सिंबल कहीं आपको दिखेगा तो बड़ी रेल लाइन, ये मीटर लाइन का है, ये देखो इस तरीके से आरएस, ये सिंबल दिखाया, मतलब यहाँ पर कोई स्टेशन है। अरे ये आरएस तो जो बनोगे तब बनोगे, कम से कम इस सिंबल्स को तो सीख लो। सड़कें होती हैं, इस तरह के सिंबल्स दिखे तो ये सड़क का सिंबल है, ये पक्की सड़क है, देख करके समझ, अच्छा यहाँ से पक्की सड़क है या कच्ची है, कभी गाड़ी वाड़ी चलो इस तरह का रास्ता आगे आए तो समझ में आएगा कि यह पक्की है या कच्ची, इस तरह की चीज़ें बनी होती है। कई बार खुदी हुई होती है आगे सड़क, उसमें भी दिखा देते हैं तो देख लेना, उसको थोड़ा सा कम से कम काम आएगा। सीमा अंतरा जरूरी नहीं है, सारी चीज़ें एग्जाम में रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को इस तरीके से बड़ी लाइनों से दिखाया जाए, राज्य की सीमाओं को थोड़ी सी हल्की लाइनों से, और जिले की सीमाओं को, अभी देखिएगा राजस्थान का मैप इस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को इस तरीके से दिखाया जाए। नदी है इस तरीके से दिखाया होगा, कुएं को इस तरीके का सिंबल बनाया होगा, तालाब का सिंबल इस तरह का होगा, नहर का सिंबल इस तरीके का होगा, पुल का सिंबल इस तरीके का हो, इस तरीके की चीज़ें कहीं आपको सामने दिखाई बनाई हुई हो, कम से कम समझिएगा कि पुल है आगे, गाड़ी को उसी स्पीड से मत चलाएगा, कम से कम इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, सिक्स क्लास में बता देते। यदि किसी तरह का यहाँ पर सिंबल किसी मैप में बनाया तो ये मंदिर का सिंबल है, ये गिरजाघर का सिंबल है, ये मस्जिद का सिंबल है, ये छतरी का सिंबल है, देख करके आइडिया लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ये पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ ऑफिस हो गया आपके पास, ये पुलिस स्टेशन पीएस कहीं लिखा है तो यहाँ पुलिस स्टेशन आगे पीएस लिखा होता है। कई बार बस्ती कब्रिस्तान, ये जैसे बस्ती का सिंबल है, ये कब्रिस्तान का सिंबल है, ये पेड़ों का सिंबल है, ये घास का सिंबल है, इस तरीके से बहुत सिंबल है जिनका ध्यान देना चाहिए। कई बार आपको मैप वगैरह एटलस पढ़ने में भी सुविधा होगी, ठीक है ना। इनको स्टैंडर्ड बनाया गया, देखो रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है ना, ये पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, ठीक है ना, मंदिर वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, मस्जिद कर सकते हो, ये क्या है कब्रिस्तान वगैरह, ये इस तरीके से अलग अलग रेखा चित्र होता है, एक आरेख होता है। रेखा चित्र मतलब कि याददाश्त के आधार पर, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित, बिना पैमाने का प्रयोग करके मोटा मोटी एक तरीके से रेखा चित्र होता है। ये खाका होता है, जैसे एक मोटा मोटी खाका खींच के देते हैं कि यार है ना मैं रास्ता जानता नहीं हूँ बता, तो एग्जैक्ट तो आप नहीं, लेकिन आपने सामान्य चीज़ों को देखा है तो आपने इस तरीके से बना दिया, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से तो मोटा मोटी कहते हैं ना, खाका बता दे, मोटा मोटी खाका, इसमें कुछ पैमाने वगैरह प्रयोग नहीं होते। इतनी बात इस चैप्टर के अंदर, बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, समझिए परिमंडलों की बात करेंगे। तो भूमंडल, ये भूमंडल दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसका कुछ हिस्सा महाद्वीप है जबकि इसका कुछ हिस्सा जो है ये महासागर है, कुछ हिस्सा इसका महाद्वीप है जबकि इसका कुछ हिस्सा महासागर है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी का जो भाग है ऊपर वाला ठोस है, क्योंकि ये अनेक प्रकार की चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों से निर्मित है, ये दो भागों में बंटा हुआ है, महाद्वीपीय और महासागरीय। अब देखो भूमंडल में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, अभी ये विवादों में था, ये नेपाल के अंदर है, इसका उत्तरी भाग चाइना के पास पड़ता है, दक्षिणी नेपाल में पड़ता है, चाइना ने अभी इसका नाम अपने हिसाब से सेट कर दिया था, वहाँ पर सागरमाथा कहते हैं इसको, नेपाल के अंदर, वैसे माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत है जो कि प्रशांत महासागर में, सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में, देखना एक बार मैप खोल के, 0 डिग्री के आसपास मिल जाएगा आपको। 7 प्रमुख महाद्वीप है, 7, इनका ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा बड़ा महाद्वीप ये नॉर्थ अमेरिका है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप
दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारे पास सात महाद्वीप है जिसको मैंने सीक्वेंस से बता दिया कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, ये देखो ये आपके पास उत्तरी अमेरिका है, देखो सबसे बड़ा ये आपके पास एशिया, दूसरा आपके पास ये वाला अफ्रीका, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका, ये आपके पास यहाँ अंटार्कटिका, ये आपके पास यूरोप और ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया। ये सात महाद्वीप हो गए। इसी तरीके से महासागर हो गए, ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये आपके पास दूसरा महासागर हो गया यहाँ अटलांटिक महासागर, ये एस एफ के अंदर इस तरीके से देखो। ये तीसरा आपके पास में हिंद महासागर और चौथे नंबर पे सबसे इनमें छोटा आर्कटिक महासागर। ये चार महासागर हो गए सात महाद्वीप। इनमें भी देखोगे तो उत्तरी अमेरिका के अंदर यदि देखो, यहाँ पर देख लो पहले एशिया में, एशिया और यूरोप के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, याद रखिएगा। किन किन के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, ठीक। एशिया में जैसे इंडिया के दक्षिण में है एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत, और ये तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये भी यहाँ स्थित है एशिया के अंदर ही। इसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका में आ जाओगे तो ये देखो, ये एक मात्र न्यू फोल्डेड माउंटेन या नवीन मोड़दार का एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर कई बार पूछते हैं अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर है देखो सिक्स क्लास की बुक में दिया एटलस है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक ड्रेकेंसबर्ग है पर्वत है जो कि दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ से निकलती है और यहाँ भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। ये भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ये भूमध्य सागर रोम सागर के नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर की जो हवाएं चलती है उसी के कारण से यहाँ पर देखो हमारे मावठ जो बारिश होती है यहाँ से होती है। ये देखो आल्प्स पर्वत जो है ये इटली वाले इस रीजन के अंदर है, आल्प्स पर्वत के आधार पर ही अल्पाइन पर्वत का माउंटेन्स का नाम पड़ा है, ये आल्प्स पर्वत यहाँ पर है, ठीक। अब नॉर्थ अमेरिका में देखो आप, ये इधर अपलेशियन पर्वत है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की इसे सिमिलरिटी दिखाई जाती है, सेम काल में नहीं बने हुए, कुछ लोग लिखते हैं कि सेम काल में, इसका भी अपरदन बहुत ज्यादा हुआ है, अरावली का बहुत बहुत ज्यादा अपरदन है, यहाँ उसमें भी बहुत ज्यादा खनिज है, यहाँ भी बहुत ज्यादा, तो अपलेशियन पर्वत है ये, चूंकि पूर्वी भाग में खनिजों की दृष्टि से लोहा और कोयला, इसी के कारण से इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ना वो संपन्न है उद्योग धंधे, खास करके लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये आपके पास में रॉकी पर्वत हो गया, ये आपके पास रॉकी माउंटेन हो गया, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। यहाँ देखो आपको एक पर्वत दिखेगा एंडीज, तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन, एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है, हिमालय पर्वत, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और दूसरी सबसे लंबी है, सबसे लंबी कौन सी है, एंडीज पर्वत सबसे लंबी, यार ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर ग्रैंड सैंडी डेजर्ट है एक, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा देखो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस में भी क्वेश्चन दिया था मैच कराने के लिए, उसमें भी था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी भाग में, और जो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कई बार नाम आता है ये भी यहीं पे है, ये आपके पास हो गए महाद्वीप। महासागरों में इस जगह पर आप देखोगे तो मेरियाना जो ट्रेंच देखा था हमने सबसे गहरा स्थान, वो मेरियाना ट्रेंच यहाँ पर है, जो माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे ना ये हिमालय पर्वत में इस जगह पर सबसे ऊंचा, तो ये मेरियाना ट्रेंच यहाँ पे, ये 0 डिग्री, देखो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से देशों से पास होती है, ध्यान देना है, ये देखो 0 डिग्री यहाँ से जा रही है, ये आपके पास कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये कौन कौन से देशों से पास होनी है ये भी आप एक बार एटलास खोल के देखिएगा, यहाँ दिया हुआ नहीं इसलिए मैं बता नहीं, यहाँ देखो 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा है, ये यहाँ से पास है, कौन कौन से देशों से गुजर रही है ध्यान देना।
कौन कौन से महाद्वीप हों, तो एटलीस्ट यहाँ देख सकते हो। ठीक, अब देखो एशिया के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं इसने। सर एशिया के बारे में क्या जानकारी? तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया, अभी बताया मैंने। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक तिहाई भाग में ये खुद फैला हुआ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये अब आपके पास एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, और एक तिहाई भाग में फैला हुआ है। यहां पर इधर 0 डिग्री का ही है, इधर तो 0 डिग्री के इधर पड़ रहा है सारा का सारा, तो ये पूर्वी गोलार्ध में नहीं हुआ क्या? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, मैंने अभी बताया था आपको, ये 30.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, देखो एशिया से गुजर। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, मैंने अभी बताया था आपको कि देखो ये यूराल जो है एशिया से, इसको यूरोप से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। एशिया प्लस यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से यूरेशिया बोलते हैं। इसीलिए जब हम प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पढ़ते हैं तो यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, अब अपन आते हैं यूरोप के ऊपर। ये सिक्स्थ पोजीशन पे, छठा बड़ा या दूसरा सबसे छोटा, सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, एशिया के पश्चिम में स्थित है, यूराल पर्वत से अलग होता है, ये देखो ये ईरान के पास है ना, ये यहां से यूराल पर्वत से अलग होता है, यहां से आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री जो आपके पास में, यहां से होकर गुजरेगा। तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, देखो इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहलाएगा, प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट कहलाएगा। ठीक है, अफ्रीका, ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विषुवत वृत्त इसके माध्यम से गुजरता है, अफ्रीका। देखो ये अफ्रीका हो गया आपके पास, दूसरा बड़ा है। यहां पर हमने देखा कि इससे देखो तीनों ही लाइन्स गुजरती है, विषुवत रेखा भी इसके बीचों बीच गुजरती है इस तरीके से, इसके यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों लाइन्स गुजरती है, और इससे मकर रेखा भी गुजरती है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। एटलस नवीन मोरदार पर्वत स्थित है, नील नदी स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी यहीं स्थित है, और यहाँ ड्रेकन्सबर्ग पर्वत भी स्थित है। तो देखो विश्व की सबसे लंबी नील नदी भी यहीं है। कर्क, विश्वत और मकर तीनों रेखाएं यहाँ से पास होती हैं। सारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी यहीं स्थित है, चारों समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है चारों तरफ, ये देखो इस तरीके से। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी जो कि यहाँ से निकलने के बाद विक्टोरिया लेक से गिरने के बाद में यहाँ से भूमध्य सागर में जाके गिरती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, और ये रहा इसके उधर इधर जो है ये आर्कटिक सागर है, इसके इधर अंटार्कटिक सागर है, इधर इसके प्रशांत महासागर है, और दक्षिण में ये पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से, ये पनामा स्थल संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में रोकी पर्वत श्रृंखला यहाँ स्थित है, और पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पनामा स्थल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ, उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ में यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो 0 डिग्री के नॉर्थ में तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और इधर से 0 डिग्री देशांतर गुजरेगा तो पश्चिम में हो गया। तीन महासागरों से घिरा हुआ है, मैंने बताया इधर आर्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अंटार्कटिक महासागर है, तीन महासागरों से ये घिरा हुआ है। अब आ गया हमारे पास में दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका देखो इधर प्रशांत महासागर है,
इधर हिंद अटलांटिक महासागर है, इन्हीं ये दोनों यहां पर लगते हैं दूसरे के। अब देखो इस साइड में ये पनामा से जुड़ा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहां पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे लंबी नील है, सबसे बड़ी अमेजन है वो इसी जगह पे है। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा जैव विविधता की दृष्टि से जाना जाता है। तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी भी यही है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन? एंडीज। ठीक है, यहां पर कुछ बातें बताइए। स्ट्रेट इज ए नेरो पास, में स्ट्रेट क्या होता है या जल संधि क्या है उसको समझाया हुआ है, और ये स्तमस मतलब एक स्थल संधि है, कोई खास बड़ी बात नहीं समझाई। देखो जल संधि होगी नहीं, जो जल होगा तो ये जाओ जो शब्द यूज हुआ है जल यूज हुआ है ना, संधि मतलब जोड़ने वाली, तो दो जलीय भागों को जोड़ने वाली, दो जलीय भागों को जोड़ने वाली, जब दो जलीय भागों को जोड़ेगी ऑटोमेटिक दो स्थलीय भाग अलग हो जाएंगे। दो जलीय भागों को जोड़ने वाली, जब दो जलीय भागों को जोड़ेगी तो ऑटोमेटिक दो स्थलीय भाग अलग हो जाएंगे। देखो ये स्ट्रेट इस तरीके से पाक स्ट्रेट है ना, तो ये दो जलीय भागों को जोड़ेगी तो दो स्थलीय भाग अलग हो जाएंगे। तो देखो दो स्थलीय भाग, और जब स्थमस होती है तो दो स्थलीय स्थल नाम है तो स्थलीय भागों को जोड़ेगी, स्थलीय भागों को जोड़ेगी सही स्तंभ, और दो वाटर बॉडीज को अलग करेगी, दो स्थलीय भागों को जोड़ेगी। और जलीय भागों को अलग करेगी, क्या करेगी? जलीय भागों को अलग करेगी, जलीय भागों को अलग करेगी, जलीय भागों को अलग करेगी। ठीक है, ध्यान रखें, दो स्थलीय भागों को जोड़ेगी और जलीय भागों को अलग करेगी, ये ध्यान रखें। ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया, पढ़ते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एक तो साउदर्न, क्योंकि 0 डिग्री के दक्षिण में, 0 डिग्री के दक्षिण में तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दूसरा यहां से देखो मकर रेखा पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी जो अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं, कैप्रिकॉन बोलते हैं, तो ये मकर रेखा इस तरीके से जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, चारों तरफ से महासागर व समुद्रों से घिरा हुआ द्वीपीय महाद्वीप बोले, चारों तरफ से समुद्रों से घिरा है इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप बोलेंगे, द्वीपीय महाद्वीप बोले। ठीक है, अंटार्कटिका सफेद महाद्वीप बोलते हैं, सफेद महाद्वीप क्यों सर? बर्फ ही बर्फ जमी हुई है सफेद महाद्वीप, इसलिए बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है, पांचवा बड़ा महाद्वीप है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है, स्थाई मानव यहाँ निवास है नहीं, कुछ मैत्री दक्षिणी गंगोत्री जैसे कुछ शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है, बस इतनी सी बात है। कुछ अब जलमंडल की बात कर रहा है, और हमने पहले भी बात करी थी कि विश्व का 71, पहले चैप्टर में 71% भाग जो है हमारे जल है और 29% भाग स्थल है, जल खूब है, लगभग 97.2% हमारे यहाँ महासागर है, 97.2% हमारे यहाँ महासागर है, ठीक है ना, 97.2% महासागर है, जबकि लगभग 28.8% हमारे यहाँ महाद्वीप है। लेकिन इसके बावजूद, इसका मतलब पानी बहुत होना चाहिए,
लेकिन उसके बावजूद 0.03% पीन नहीं योगी एलोवन जल है। यहां पर 2010 में आईएएस ने क्वेश्चन पूछा यहां से, तो आपसे कभी पूछ ले ध्यान रखना, पीने योग्य पानी 1% से भी कम है, क्योंकि बाकी जो पानी है उसका अधिकतर भाग हिम चादरों के रूप में या भूगर्भ के रूप में है, जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिखाया है कि 97% भाग महासागरों में, कुल जल का 97% भाग महासागरों में, और 2 पॉइंट जो आपके पास में कुछ हिस्सा है 77, ये हिस्सा हिम चादरों और भूगर्भ के रूप में, केवल 0.03% पानी पीने योग्य, 1% से भी कम है। ये सारे महाद्वीप है जो हम लोगों ने देख लिए कि किस जगह पे क्या लोकेशन है। महासागरों की बात कर रहे हैं, महासागर मैंने चारों महासागर बताया आपको कि सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है, ये रहा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी महासागर है। दूसरे नंबर पे देखो आपको ये इस तरीके से महासागर दिख रहा होगा ऐश आकार का, इसके पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्व में अफ्रीका, यूरोप, इस तरीके से ये इसकी साइज। दूसरे नंबर पे प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन का जस्ट आधा है। इसके बाद देखो इंडियन ओशन, ये आपके पास में ट्रायंगुलर की शेप में इस तरीके से मिल जाएगा, त्रिभुज के आकार में। इंडियन ओशन हो गया तीसरा, हिंद महासागर, विश्व का एकमात्र महासागर, महासागर जिसका नाम इंडिया के नाम पर, और ये आपके पास में आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। देखो महासागर जल मंडल का मुख्य भाग है, तो जितना भी जल मंडल है उसका 97% जल महासागरों के अंदर है, हमेशा गतिशील रहते हैं तरंगों के कारण से, ज्वार भाटाओं के कारण से, या महासागरीय धाराओं के, ज्वार भाटा समझते हैं पानी का ऊपर उठना नीचे गिरना, सूर्य और चंद्रमा के बल के कारण से तरंगे वेव्स होती है। तो चार प्रमुख है हमारे पास, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, फिर हमारे पास अटलांटिक महासागर हो गया, फिर हमारे पास हिंद महासागर हो गया, और फिर हमारे पास आर्कटिक महासागर। तो ये चार बड़े हमारे पास महासागर हैं। तो इसमें देखो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर अभी मैंने दिखाया, और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है, और यहाँ पर मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग है, जो मैंने अभी पहले सारी बातें हो चुकी है। अटलांटिक महासागर भी मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया कि कैसा है, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अंग्रेजी के एस के आकार का है, व्यापार के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताया था आपको अभी आपको थोड़ी देर पहले। हिंद महासागर या इंडियन ओशन, नाम भारत देश के नाम पर है, आकृति मैंने अभी बताया त्रिभुजाकार है, उत्तर में एशिया है इसके, पश्चिम में इसके अफ्रीका है, पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जान लेना। आर्कटिक महासागर अभी देखा था कि ऊपर वाला जो हिस्सा आर्कटिक महासागर है उत्तर ध्रुव के पास स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, और बेरिंग जल संधि मार्शांत महासागर में। देखो यहां पर आर्कटिक ओशन उत्तरी ध्रुव के पास में बर्फ जमी रही है हमेशा इस जगह पे, ये इस तरीके से आर्कटिक ओशन यहां पर उत्तरी ध्रुव के पास, अब बात कर रहे हैं वायुमंडल की। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बना है, लेकिन उनमें प्रमुख गैसेस हैं ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% है, नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसके बाद आपके पास में आर्गन वगैरह का नंबर आता है जो कि 0.9% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का आता है जो कि 0.03% है, और बाकी गैसेस काफी कम है। तो गैसेस का लगभग 99% हिस्सा तो दो गैसेस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वस्तुओं को जलाने में सहायक है, तो नाइट्रोजन जलने से रोकती है, इसलिए इसका मिक्सचर ज़्यादा है। यदि जितनी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो आपको आग याग दिखेगी ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में भी सहायक है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन वगैरह के लिए जरूरी है। तो देखो सबसे नीचे वाला मंडल यहाँ दिखाया है क्षो मंडल, लोग 13 से 18 किलोमीटर समझ लो, विश्व रेखा पर 18, ध्रुवों पर 8, लगभग औसतन 13 किलोमीटर ऊंचा सबसे नीचे वाला मंडल है जिसे हम क्षो मंडल कहते हैं। फिर उसके ऊपर चले जाओगे तो लगभग 50 किलोमीटर तक क्षमता मंडल है, फिर ऊपर चले जाओ 80 किलोमीटर तक आपके पास में मध्य मंडल है,
उसके बाद आपके पास आयल बंडल हो जाएगा 400 साढ़े 400, फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। तो ये सबसे नीचे वाला है, सारी वायुमंडलीय गतिविधियां यहाँ होती है। देखो सप्ताह मंडल के अंदर दिखाया है कि प्लेन वगैरह आराम से उड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है क्योंकि समताप रहता है। तो जितनी भी वायुमंडलीय गतिविधियां होती है वो क्षो मंडल के अंदर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा जो है पृथ्वी के संपर्क में आकर के गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जहां तक ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा, वर्टिकली फ्लो होगा एयर का, वहां तक वायुमंडलीय गतिविधियां होगी। समताप मंडल में आपको हॉरिजेंटल फ्लो तो मिल जाएगा, वर्टिकल फ्लो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए वहां पर ठीक रहता है कि घर्षण उत्पन्न नहीं होता। ठीक, देखो समुद्री तल पर घनत्व सर्वाधिक होता है। देखो जैसे क्या होता है कि ये महाद्वीपीय हिस्सा है, ये महासागर हिस्सा है। समुद्री तल पर ज्यादा क्यों होता है सर? उसका कारण है, उसका कारण है, क्या कारण है सर? जैसे देखो वायुमंडल, वायु दाब का मतलब क्या होता है? वायु दाब का मतलब ये होता है कि वायु के द्वारा लगने वाला दाब, या वायु की परतों के द्वारा लगने वाला दाब। वायु दाब का मतलब हो गया वायु की परतों के द्वारा लगने वाला दाब। वायु दाब का मतलब वायु की परतों के द्वारा लगने वाला दाब, परतों के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है ना, वायु की परतों के द्वारा लगने वाला दाब। देखो इस तरीके से समझो, यहां पर जैसे मान लो कि ये सतह नीचे हो गई, सॉरी ऊपर दिखा दिया मैंने, यहाँ नीचे होगी तो ये रहेगा ऐसे, एक परत हो गई, दो हो गई, तीन हो गई। अब यहां देखो एक हो गई, दो हो गई, बराबर ही होगी ना। तो यहां पर कितनी परतों का दाब लग रहा है? तीन का। यहां पर कितना लग रहा है? दो। तो यहां पर दाब ज्यादा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घनत्व घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, तो वायु का घनत्व घटेगा, ठीक है ना? तापमान भी घटेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश गर्म, सॉरी वायुमंडल सूर्य के प्रकाश गर्म नहीं होता, सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी की सतह उसे अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। जब ये पृथ्वी अब्जॉर्ब करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, उससे गर्म होता है। सूर्य से सीधा प्रकाश आ रहा है उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता, क्योंकि वो लघु तरंग विकिरणें होती है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होता है, उससे गर्म नहीं होगा। जो वापस आएगी लॉन्ग वेव रेडिएशंस, उससे गर्म होगा। इसलिए ऊपर जाओगे तो सूर्य पृथ्वी के टच है, उस पृथ्वी के कारण से गर्म हो रहा है, तो पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रहे हो आप, नीचे हाई प्रेशर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको खींच रखा है, ऊपर लो प्रेशर होता जाएगा। वायुमंडल ये देखो इस तरीके से दिखाया है, ये एटमोस्फियर है, ये हमारे पास स्थल मंडल है, ये हमारे पास जल मंडल है। तीन मंडल है हमारे पास, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीन मंडल हो गए हमारे पास, है ना? इन तीनों मंडलों का कुछ कॉमन ले लो, ये आपके पास स्थल, ये स्थल, ये आपके पास वायु, ये जल, ये तीनों कॉमन मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल बोलते हैं, मतलब जहां पर जीवों का मंडल है, जहां जीव रह पाते हैं उसकी बात। तो वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, और जल मंडल को यहाँ दिखाया गया किस तरीके से, ये स्थल मंडल पे कैसे जीव वगैरह रहते हैं, जल मंडल पे मछलियां वगैरह रहती है, वायुमंडल में ये पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, बादल की घटनाएं हैं, इनका संबंध वायुमंडल से। बच्चों को बताया हुआ है, अब तो जानती। जीव मंडल मैंने कहा ना, इनका कॉमन एरिया जो होता है वो बायोस्फीयर या जीव मंडल कहलाता है, जहां पर जीवन होता है, भी समझा मैं? स्थल जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है जल मंडल। यहां पर जो जीव मंडल, मतलब जीव रहते हैं दो प्रकार के, एक रहते हैं यहां पर फ्लोरा, एक रहते हैं यहां पर फोना। फोना का मतलब हो गया, फ्लोरा का मतलब हो गया पादप, और फोना का मतलब हो गया जंतु। ये हो गया पादप और ये हो गया जंतु। पृथ्वी के तीनों परिमंडल, भूमंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल, इनमें संतुलन आवश्यक है। इनमें संतुलन रहेगा तभी हमारा जीव मंडल या बायोस्फीयर बैलेंस रहेगा, बायोस्फीयर बैलेंस रहेगा, और जो बायोस्फीयर बैलेंस रहेगा तभी बाकी जो जीव है, पादप हो चाहे जंतु समुदाय, उनका जीना संभव हो पाएगा। अब हम लोगों को देखना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, क्या क्या स्थल रूप है पृथ्वी के, वो देखते हैं। देखो 8 चैप्टर है, 5 कंप्लीट हो गए। देखो स्थल रूप ये इस तरीके से दिखाया हुआ है कि कहीं पर देखो जैसे झील है, इस तरीके से जो दिखाया हुआ है, देखो पर्वत है, ऊंचे ऊपर उठे हुए भाग, शंकुआकार आकृति ली हुई इस तरीके से,
है ना, शंक्वाकार आकृति ली हुई इस तरीके से, पर्वत है ये, पर्वत को इस तरीके से दिखाया, देखो ऊपर उठा हुआ भाग, उबड़ खाबड़ जगह दिखाई हुई है, शंक्वाकार आकृति लिए हुए, तो पृथ्वी से ऊपर उठे हुए शंक्वाकार आकृति में होते हैं, उन्हें पर्वत बोलते हैं। देखो ये पर्वत से थोड़े से नीचे हैं, समतल है, पठार है, लेकिन ये आसपास के मैदानी भागों से ऊपर है, ठीक है ना। ये जैसे नदियां वगैरह हो गई, ये मैदान हो गई, इस मैदान ये आपको इस तरीके से हरे कलर से दिखाया, ग्रीन से मैदान, जहाँ पर नदियों वगैरह का प्रवाह है, उपजाऊ मिट्टी वगैरह मिलेगी, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगी, सभी चीज़ों के लिए उपयुक्त होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन समतल पठार, उससे ऊपर और शंक्वाकार आकृति इस तरीके से लिए हुए, उबड़ खाबड़ ये हो गए। इनसे थोड़ी सी, पर्वत से थोड़ी सी कम हाइट होती है, लेकिन शंक्वाकार होते हैं, उन्हें पहाड़ी बोलते हैं, पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी होता है। कुछ लोग 1000 किलोमीटर के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, 1000 किलोमीटर से ऊंचे होंगे उन्हें पर्वत बोल देंगे, उससे कम होगी तो पहाड़ी बोल देंगे, बाकी शेप साइज सेम होती है। इसी तरीके से देखो शायक नदियाँ, जैसे एक बड़ी नदी आ रही है, ये बड़ी नदी आ रही है, इस बड़ी नदी के ये शायक नदी हो जाएगी, दूसरी कोई नदी आ रही है तो शायक नदी हो जाएगी, झील हो गई आपके पास में। और ये नदी देखो जैसे आकर के समुद्र में जब गिरती है तो उसका मुहाने पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का डेवलप करती है, मुहाने के ऊपर, उस स्ट्रक्चर को डेल्टा बोलता है ना, ये और कई वितरिकाओं में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। ये देखो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, लेकिन एक तरफ से जो है वो स्थल से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोलेंगे, प्राय प्रायद्वीप, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और ये देखो दो स्थलीय भागों को ये जोड़ रही है, इसलिए इसे स्थल संधि बोलेंगे, यानी दो स्थलीय भागों को जोड़ रही है, जबकि देखो दो वाटर बॉडीज को अलग कर रही है, इसलिए इसे स्थल संधि बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मैदान है, इधर समुद्र है, तो ये जो मैदान खत्म हो रहे हैं यहाँ समुद्र है, इनका जो तटीय क्षेत्र है मैदानों का, इसे कोस्टल रीजन या तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ये वाला जो एरिया इसे तट बोलते हैं, जो समुद्र के लगा हुआ हिस्सा होता है ना उसे तट बोलते हैं, तटीय प्रदेश या कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये द्वीप हो गया, ये आइलैंड है, आइलैंड है। और देखो ये आपके पास स्थलीय भाग है इधर, ये आपके पास स्थलीय भाग है, इन दोनों को कोई जोड़ रही है, जल संधि हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पर ये शी है, समुद्र है, बाकी नदी मुहाना सारी चीजें हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है, अभी बताया मैंने, देखो कितने स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गति हो रही है। अगली क्लासेज में समझाएंगे क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर एनर्जी है, किसके रूप में है, समन तरंगों के रूप में ऊर्जा, उसी के कारण से मूवमेंट आंतरिक भागों में स्थिर नहीं है। प्रथम यांत्रिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी के सतह कहीं ऊपर उठ गए हैं और कहीं धंस गए हैं। जो आंतरिक बल है, जिसे हम इंटीरियर फोर्स बोलेंगे, अंतर्जात बल बोलेंगे, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगने वाले बल के कारण से कुछ भाग ऊपर उठ गए पर्वत पठार के रूप में, पहाड़ी के रूप में, कुछ नीचे धंस गए घाटी के रूप में, झीलों के रूप में, इस तरीके से ये अलग अलग स्थल रूप बन गए हैं। और आंतरिक बलों के कारण से, बल दो तरह के होते हैं, इंटीरियर भी होता है जो मैंने अभी कहा कि लगता है समन तरंगों के रूप में, और एक एक्सटीरियर भी होता है जो कि जल के कारण से, वायु के कारण से, इन सब चीज़ों के कारण से, टेम्परेचर के कारण से बल लगता है। दूसरा बाह्य प्रक्रिया है जो मैंने अभी बताया, स्थल के लगातार बनने और टूटने की क्रिया होती है, जिसमें टेम्परेचर है, वर्षा है, दाब है, उन सब के कारण से इरोजन की क्रिया होती है, अपरदन होगा, इरोड हो गई कोई सतह है, इस पर लगातार तापमान काम करे, दाब काम करे, वर्षा काम करे, तो लगातार ये काम करने से धीरे धीरे ये टूट जाएगा, टूट करके ये अपने स्थान पर जमा नहीं हो, यदि सेम जगह पे जमा हो जाए या तो उसे अपन सेम जगह टूट करके जमा हो तो उसे वेदरिंग अपक्षण बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, लेकिन ये टूट करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के जमा हो जाते हैं तो उसे अपरदन या इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जहाँ पर जाकर के जमा होते हैं उसे डिपोजिशन बोलते हैं, मतलब टूट करके अलग होकर के कहीं जाना वो अपरदन या इरोजन, और उस जगह पर जाकर के निक्षेपित होना, जमा हो जाना, उसे डिपोजिशन या निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। ये दो क्रियाएं आंतरिक और बाह्य बहते हुए जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग है, पहाड़ी के बारे में बताया कि पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की ऊंच भूमि से ऊंची उठी होती है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं, या 600 मीटर बनाए गए कई जगह, 1000 मीटर बनाए गए, तो आप एनसीईआरटी है तो 600 मीटर याद रखिएगा, 600 मीटर, अच्छा ये वाली चीज दिख नहीं है। तो देखो ये बताया कि 600 मीटर से ऊंची
होगा वो पर्वत हो जाएगा, और 600 मीटर से नीचा होगा, 600 मीटर से जो नीचा होगा वो पहाड़ी हो जाएगा, वो पहाड़ी हो जाएगा ना। अब कुछ जगह 8000 मीटर से भी ऊंचे दिखेंगे आप। ये देखो पर्वत, यहाँ पर्वत बताया है, और देखो ये वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, जैसे हिमालय इस तरीके से देखो ये फोल्डेड माउंटेन। क्या मतलब है फोल्डेड माउंटेन? जैसे कोई कागज ले लेते हैं, देखो जैसे ये कागज है, दोनों तरफ इस तरीके से इस पे यदि फोर्स लगे तो इसमें इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है, कंप्रेसिव फोर्स लगे, ये है ऐसे देखो, इसमें इस तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या संपीड़न बल लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न बल लगेगा, समझ रहे हो? इसलिए इन्हें फोल्डिंग हो गई इनके बीच में, इस तरीके से लगता है आंतरिक बलों के कारण, सेवन तरंगों का प्रभाव से, इसलिए इन्हें फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं। ऊपर मट्टी मतलब सबसे ऊपर वाला जो भाग है क्रस्ट, दोनों तरफ से फोर्स लगाने के कारण से उसमें फोल्डिंग हो जाती है, जैसे अभी आपको कागज में करके दिखाया, उसे फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय, हिमालय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ठीक है। देखो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, मैंने बताया ना इसे शंकु के आकार में इस तरीके से होता है, चौड़ा होगा ऊपर वाला थोड़ा संकरा होगा, ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ जो हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, क्यों? इसलिए कि वायुमंडल नीचे से गर्म होता है पृथ्वी की सतह से, ना कि सूर्य से आने वाले प्रकाश, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे पर्वतों के ऊपर जाएंगे हिमालय वगैरह के ऊपर, तो वहां पर बर्फ जमी हुई मिलेगी, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां बहती है, उन्हें ग्लेशियर्स हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर्स कहेंगे, ग्लेशियर्स या हिमानी, बर्फ रहेंगी पिघलेंगी फ्लो होंगी, जैसे मैदानी भागों में आपको मैदानों भागों में नदियां पानी की दिखेंगी, वैसे इन पर्वतों के ऊपर, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपको हमेशा बर्फ की नदियां बहती दिखेगी, उसे ग्लेशियर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, देखो सबसे अनुकूल जो रहने के लिए होता है ना वो होता है मैदानी भाग, इसलिए मैदानी भागों का जनसंख्या घनत्व हमेशा ज्यादा होगा, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, ये क्षेत्र प्रतिकूल होते रहने के हिसाब से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रकृति के विरुद्ध हमें क्षमता विकसित करनी होती है, समझ रहे हो ना। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, जो कृषि के लिए योग्य नहीं होता है ना। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, एक लाइन से डेवलप हो गए इस तरीके से, जैसे एक पर्वत है फिर एक और हो गया फिर एक तरीके से एक पर्वत हो गया, तो श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाए। हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो मैंने बताया ही था आपको, तीनों के बारे में बात हुई है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, तीन तरह के पर्वत बताए हुए हैं। देखो एक हो गया हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स, तीनों के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ब्लॉक माउंटेन्स सॉरी फोल्डेड माउंटेन है, ये हो गया फोल्डेड यानी वलित, ये हो गया फोल्डेड माउंटेन, ये आपके पास हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन, और ये हो जाएगा आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन, ये आपके पास वॉल्केनिक माउंटेन, ये आपके पास फोल्डेड माउंटेन, ये आपके पास ब्लॉक माउंटेन यानी अवरोधक पर्वत। देखो जैसे ये एक भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट है, ये हमारे पास क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर यदि इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगता है इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो इस क्रस्ट के अंदर इस तरीके से फोल्डिंग पड़ जाएगी। ये देखो पर्वतों का निर्माण हो गया, एक श्रृंखला के रूप में बन जाएगी, इसे कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न बल के कारण लगने के कारण इसे फोल्डेड माउंटेन या मोड़दार पर्वत बोलेंगे।
सर फिर ब्लॉक माउंटेन वो भी बताता हूँ दोस्तों। जैसे ये आपके पास एक संरचना है, ना? अब इसमें क्या हुआ कि इस साइड में एक टेंशन उत्पन्न हुआ इधर, दूसरा आपके पास इधर एक टेंशन उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, टेंशन लग रहा है इधर भी और इधर भी, टेंशन हो रहा है, तनाव लग रहा है। टेंशन या तनाव लगने के कारण से यहां पर देखो एक दरार पड़ गई इस तरीके से, ये तनाव के कारण से दरार पड़ गई। जब भी इस तरीके से दरार पड़ेगी तो अब ये क्या होगा, ये हिस्सा नीचे धस जाएगा इसका, ये वाला हिस्सा। तो अब ये किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी देखो, इस तरह की इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, बनेगी ना। अब देखो ये जो है ये तो आपको कहलाएगी ब्रंस घाटी, घाटी यानी वैली का रूप हो गया, और ये आपके पास ये कहलाएगा ब्लॉक माउंटेन। यहां पर दो ब्लॉक माउंटेन हो गए, अवरोधक पर्वत हो गए, इसे ब्लॉक माउंटेन या ब्रोंस पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ये भी हो गया ब्लॉक माउंटेन। ये आपके पास दो हो गए ब्लॉक माउंटेन, इनके बीच में ये हो गई रिफ्ट वैली या ब्रश घाटी, ये वाली इस तरीके से। कई बार ये होगा कि ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे वाला या साइड वाले धस जाएंगे, तो यदि धस वाले नीचे वाले धस जाए साइड वाले, तो देखो इस तरीके का पर्वत बनेगा। ये भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बीच वाला ऊपर उठ गया, इसे होस्ट पर्वत बोलते हैं, होस्ट माउंटेन बोलेंगे। होस्ट माउंटेन भी एक ब्लॉक माउंटेन ही होता है, होस्ट पर्वत भी ब्लॉक माउंटेन ही होता है। तो ये देखोगे ना आप, ये वाली जगह ये एक वैली के रूप में बन गई, इसे ग्रेबन बोलते हैं। ग्रेबन भी भ्रंश घाटी ही है, ग्रेबन भ्रंश घाटी ही है, भ्रंश घाटी ही है, भ्रंश घाटी। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला है, अरावली फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। वलित पर्वतशाला के साथ साथ रेसिडुअल अवशिष्ट पर्वत भी, अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, इसलिए इसे रेसिडुअल भी अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। अब देखो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत अभी देखे थे, गोलाकार दिखाई देते हैं, उनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ये फोल्डेड माउंटेन है। जो आपके पास में अपलेशियन है, यूराल पर्वत है, काफी पुराने फोल्डेड या वलित पर्वत है। कौन से होते हैं अभी मैंने बताया, जो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, मैंने अभी दिखाया था आपको, तो उसे ब्लॉक माउंटेन या अवरोधक पर्वत या ब्रॉन्ज पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ऊपर उठे हुए भाग को होस्ट कहते हैं और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका या ग्रेबन कहते हैं, ये समझा ही दिया था मैंने आपको। देखो इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा, ये भाग ऊपर उठ गया, इस साइड में भी एक हिस्सा उठेगा, नीचे बीच में इस तरीके से आपके पास इस तरीके से घाटी बन जाएगी, ब्रंस घाटी, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। जैसे यूरोप की राइन घाटी है, वोस्गस पर्वत और आपके पास में ब्लैक माउंटेन के बीच में है, ब्लैक यानी ब्लैक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन और वोस्गस माउंटेन के बीच में राइन घाटी पड़ती है यूरोप में। और हमारे यहां भी जैसे विंध्यन पर्वत है और सतपुड़वा पर्वत है, उन दोनों के बीच में, जैसे ये हमारे पास विंध्यन माउंटेन है और ये हमारे पास सतपुड़ा माउंटेन है, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा। तो ये आपके पास में ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल है और ये नर्मदा जो है ये रिफ्ट वैली या ब्रंस घाटी का एग्जाम्पल है, ये रिफ्ट वैली या ब्रंस घाटी का एग्जाम्पल है। ये वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया हुआ है, ये देखो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताया कि ज्वालामुखी क्रिया होती है अंदर आंतरिक भागों में, ये पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण से, ये अंतर्जात बलों के कारण से होता है। अंतर्जात बल यानी बहुत ज्यादा आंतरिक भागों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस तरीके से कुछ समन तरंगे के रूप में चलती है और ये मेग्मा बाहर आता है, जब अंदर रहता है तो ये मेग्मा कहलाता है, पदार्थ होता है गर्म गलित पदार्थ। जब ये मेग्मा जब इस तरीके से पाइप के थ्रू बाहर आता है और फिर इस तरीके से ये चारों तरफ फैल जाता है, एक शंकु का आकार ले लेगा, देखो इस तरीके से फैलेगा ये मैग्मा चारों तरफ। जब इसमें
अम्लीय पदार्थ ज्यादा होते हैं ना, तब इस तरीके से फैलता है। और इस तरीके से आपको धुआं, राग, गैस, बादल इस तरीके से बाहर निकलते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इस तरीके से धुआं, काला काला बादल छा जाएंगे आकाश में, आग की लपटें उठेगी, इस तरीके से बाहर निकलेगा तो ये लावा कहलाएगा, अंदर था तो ये मैग्मा था। इस तरीके से अंतर्जात बलों के कारण से अंदर से मैग्मा और लावा की उत्पत्ति होने से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ये इतना ही दिया है, सिक्स में आगे क्लासेस में और ठीक से देखेंगे। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण से। अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो ये तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के वलित पर्वतों का उदाहरण है। किलीमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका माउंटेन का सबसे ऊंचा पर्वत है, डेड वोल्केनो का मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल, मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है, डेड वोल्केनो या मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि इनसे एक तो जल का बहुत बड़ा स्रोत है नदियों के माध्यम से, जहाँ हिमानियों वगैरह के रूप में, दूसरा है इनसे जलाशय वगैरह सारे भर जाते हैं, फिर नदियाँ बहती है उसके कारण से वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात बनते हैं, पानी गिरता है ऊपर से, टरबाइन चला करके बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई इंसान परेशान हो तो घर वालों को धमकी दे सकता है कि मैं ले जाऊंगा, है ना। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु तो पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त होता है, आश्रय मिलता है, दूसरे उत्पाद मिलते हैं, गोंद है, रेजिन है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो पर्वतीय भागों में बहुत सारे होते हैं विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे आपके पास पैराग्लाइडिंग हैंग है, ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ध्यान रखना कौन से पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े हुए खेल है, स्कीइंग है, पर्वतों के प्रचलित खेल है। कभी एक ऑप्शन में आ जाएगा कि किससे किन क्षेत्रों के पॉपुलर है, तो आपको लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, सिक्स क्लास के एनसीईआरटी से पूछा। ये देखो इस तरीके से पठार होते हैं, ये ऊपर से थोड़े से समतल रहेंगे, काफी समतल रहेंगे, इस तरीके से उन्हें पठार बोलेंगे, ठीक है ना। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाती है, सपाट भूमि होती है, चट्टाने कठोर होती है, ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान एक तरीके से सपाट होता है। इस तरीके से किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ढाल खड़े होते हैं लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। जैसे इसके अंदर देखोगे आप तो देखो ये इस तरीके से इनके खड़े ढाल हैं, ऊपर पठार है एकदम समतल मिलेगा आपको, लेकिन देखो इसके ढाल इस तरीके से खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ सौ मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है, कुछ सौ मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया 4-5 हज़ार मीटर तक ऊंचा भी हो सकता है। पर्वतों से ऊंचे भी पठार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पर्वत ही हमेशा ऊंचे, डिपेंड करता है ना। जैसे हमारा तिब्बत का पठार कई पर्वतों से ऊंचा है, अरावली से बिल्कुल है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में आता है जो कि लावा से बना हुआ है, लावा से बना हुआ है, बसाल्ट लावा से बना हुआ है और बहुत पुराना है नहीं। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। पठारी इंडिया में भी बहुत मिल जाएंगे। तिब्बत का पठार 4,000 से 6,000 मीटर तक है, तो कुछ सौ मीटर से लेकर कुछ हजार मीटर तक। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खानों के लिए प्रसिद्ध है, खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका वाला क्षेत्र देखा था हम लोगों ने, तो कई प्रकार के मिनरल्स वगैरह हम लोगों को पठारी क्षेत्रों से मिलते हैं। और 2 नंबर का क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछा था छोटा नागपुर का पठार, तो भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है लोहे के लिए, कोयले के लिए, मैग्नीज के लिए, इनके लिए बहुत फेमस है। इतनी बात लिख देते थे ना तो भी आरएस मेंस में 1 नंबर आ जाता। तो देखो आरएस मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं यानी वाटरफॉल्स हो सकते हैं जिससे विद्युत उत्पादन होगा, यहाँ से नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है जबकि जोग है ये शरावती नदी के ऊपर है और कर्नाटक के अंदर है, बहुत फेमस है। लावा पठार से जैसे दक्कन का पठार है काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जैसे दक्कन पठार है हमारा
जो काफी ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ होते हैं एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस तरह की चीजें काफी इंपोर्टेंस बताया गया। अब देखो ये मैदान दिखाया, मैदान में देखो समतल भाग होते हैं इस तरीके से, और मैदानी भाग जो है ना वो कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। मैदानी भाग जो होते हैं वो कृषि कार्य के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। किसके लिए? कृषि कार्य के लिए। किसके लिए? कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं, समतल होते हैं, कृषि करना आसान हो जाता है, इसलिए कृषि करना आसान हो जाता है। जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होता है क्योंकि प्रकृति की मुश्किलें कम झेलनी पड़ती है। और इस तरीके से चावल वगैरह की खेती करते हैं, अलग अलग खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जैसे यूपी वगैरह वाला क्षेत्र है, काफी समतल होता है ना। इस तरीके से आपको पेड़ वगैरह वनस्पतियां काफी मिल जाएगी। ये मैदानों का चित्र है, लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, सामान्यतः 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, इनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। कुछ मैदान काफी ज्यादा समतल होते हैं, जैसे अपने गंगा वाले मैदान वगैरह, कुछ थोड़े से ऊपर खाबड़ और तरंगित हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है, पर्वतों को अपरदन करेगी, उस मिट्टी को लाएगी, मिट्टी को ला करके मैदानी भागों में निक्षेपित करेगी, डिपोजिशन करेगी। मैदानी भागों में नई नई मिट्टी आएगी, अलग अलग क्षेत्रों से आएगी, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगी, बहुत सारे खनिज होंगे उसके अंदर। इस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानों को जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान होते हैं, और वो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ लेकर के आती है, साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे जमा कर देती है पहले ही, और उसके बाद इन्हीं निक्षेपों मैदान का निर्माण होता है, फिर ये जमा करती है। पहले बड़े कंकड़ पत्थर जमा करेगी, फिर छोटे। हमने नाम सुना है बाबर, खादर, तराई, बांगर, वो इसी के एग्जाम्पल है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, सामान्यतः यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है, इसलिए मैदान विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में आपको दिख जाएंगे, जैसे चीन के अंदर भी। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, काफी बड़ा है, बताइए आपको। चीन में जो है यांगसी नदी का मैदान है, ये काफी बड़ा मैदान है, मनुष्यों को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है, कृषि के लिए उपयुक्त होता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन यहाँ से होता है, ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। भारत में गंगा का माइसन देश में क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदान। अब स्थल रूप है, उन लोगों की बात को समझाने की कोशिश करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ बताया है। स्वच्छ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, वो है 7। दो चैप्टर और बचे, देखो 4 घंटे के अंदर अंदर समाप्त, 3.5 घंटे में हो जाएगा मेरे को लग रहा है ना, तो इतने कम है हमारे पास। तो आराम से प्रिपेयर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिया के बारे में कुछ जानकारियां दी है, तो देख लेते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, इंडिया के बारे में बताया, काफी बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो बड़े भौगोलिक विस्तार काफी ज्यादा है। अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है, और ये उत्तर में हिमालय से के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत में प्रायद्वीपीय तट भी है। देखो ये विशाल भूभाग है, मैंने बताया कितना, इसके उत्तर में देखो ये हिमालय स्थित है, उत्तर में हिमालय स्थित है,
दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इधर देखो बंगाल की खाड़ी स्थित है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में देखो कि अरब सागर स्थित है, और ये देखो महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र ये हमारे पास स्थित है। पश्चिमी तट हो गया, ये हमारे पास पूर्वी तट हो गया, पूर्वी तट चौड़ा है, पश्चिमी तट थोड़ा संकरा है। देखो ये हिमालय जो है ये दिखाया हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद देखो इसके नीचे शिवालिक पर्वत भी दिखाया है, शिवालिक श्रेणी इसके नीचे है, तो याद रखना हिमालय और शिवालिक। इसके बाद देखो इस क्षेत्रों में कुछ नदियां दिखाई गई, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, देखना यहाँ पर कहाँ पर है, रावी नदी है, सतलज नदी है, और ये नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सबसे बड़ी नदी सिंधु में जाके मिल रही है, तो ये सिंधु नदी भी हो गई है। तो सिंधु की शायद याद रखना है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये इसकी शायद नदी है। इसी तरीके से देखो ये गंगा वाला मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र वाला मैदान है, ये देखो इस भाग से तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए इस तरीके से देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद देखो इस तरीके से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर देखो गंगा नदी आपके पास यहाँ उत्तराखंड वाले क्षेत्र से निकलेगी, उत्तराखंड वाले क्षेत्र से निकलेगी इस तरीके से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से होते हुए यहाँ आगे बढ़ेगी, यहाँ देखो इससे एक नदी अलग हो जाएगी हुगली नदी, और फिर ये इस तरीके से जाके ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। इसकी एक शायद नदी और है, इधर से बहुत सारी है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरीके से इधर से इसमें आकर के नदियाँ मिल रही है। देखो इधर से आ रही है यमुना नदी, देखो इधर से एक नदी आकर के मिल रही है, इसमें यमुना नदी है ना, इसकी सबसे बड़ी शायद नदी है इसकी गंगा। इधर से एक नदी आकर के मिल रही है, देखो चंबल नदी, चंबल नदी यमुना की शायक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। इसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक बीच में, यहाँ पर अभी अपन ने बात कर रहे थे विंध्यन श्रेणी दिख जाएगी आपको, इस विंध्यन श्रेणी के उत्तर में उत्तरी भारत, इसके दक्षिण में दक्षिणी भारत, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में। यहाँ पर देखो अभी जो हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रेणी की, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला टूटी फूटी हो गई एक तरीके से, अवशिष्ट हो गई, कटी फटी हो गई, तो अरावली पर्वत श्रेणी। इसके पश्चिम में देखो ये इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, भारतीय मरुस्थल यहाँ पर, महामरुस्थल यहाँ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये इधर देखो गुजरात के इस क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी, ये देखो खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, ये खंबात की खाड़ी हो गई यहाँ पर इस रीजन के अंदर। इसके अलावा देखो इस विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में ये सतपुड़ा श्रेणी होगी, सतपुड़ा श्रेणी है विंध्यन, इसके साउथ में सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में देखो एक नदी प्रवाहित हो रही है नर्मदा नदी, ये नर्मदा ब्रश घाटी में बहती है, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश की बाउंड्री से होते गुजरात में जाएगी। इसी तरीके से देखो ये इस जगह एक तापी नदी भी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तापी नदी, देखो इस तरीके से तापी नदी जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नदी और जा रही है गोदावरी, ये दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, देखो ये गोदावरी नदी ध्यान रखना है, दक्षिण में सबसे लंबी नदी दक्षिणी भारत की। यहाँ से देखो एक नदी और जा रही है जिसका नाम है कृष्णा, ये भी पश्चिमी घाट से, ये पश्चिमी घाट है, देखो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, घाट मतलब पर्वत होता है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इधर ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है, ये देखो इधर आप देखोगे तो ये पूर्वी घाट है, घाट मतलब पर्वत, ये पूर्वी घाट इस तरीके से, ये पूर्वी घाट, और इसके यहाँ देखो ये थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा आपको तटीय, तो ये पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जमा है, अपेक्षाकृत चौड़ा है और ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर देखो इस जगह पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिख जाएगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, अच्छा रहने देते हैं, देखो यहाँ से मिटा लेते हैं, अरे यार गड़बड़ हो गया, अब इसमें सही रेजर काम नहीं करेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये ऐसे दिखा देते हैं, मैंने ध्यान दिया नहीं, गलत चूज कर लिया मैंने,
देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है नीलगिरी, इस नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर आकर के पश्चिमी घाट और इस तरीके से पूर्वी घाट मिलेंगे। तो आपसे कभी पूछ ले कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलेंगे, तो ये नीलगिरी। यहाँ पर एक नदी आपको दिखेगी, इस जगह पे कावेरी नदी है, इस जगह कावेरी नदी इधर आकर के गिर रही है ना। यहाँ पर कृष्णा हो गई, ये देखो दक्कन का पठार, यहाँ पर दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये देखो महानदी, महानदी यहाँ पर ये साइड में आकर के गिर रही है, महानदी इस तरीके से आगे गिर रही है। बाकी देखो ये आपके इस येलो येलो बनाया हुआ है, ये पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पठारी प्रदेश है इस तरीके से बना। ये ब्रह्मपुत्र नदी देख रही है हम लोगों ने, ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान हो गया, विशाल गंगा का मैदान ये। तो ये कुछ संरचनाएं ध्यान देना। इधर देखो ये लक्षद्वीप हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, कोरल रीफ से। इधर ये हमारा अंडमान निकोबार, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बहुत ज़्यादा 500 से 500 550 से ज़्यादा यहाँ पर आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे, द्वीप मिल जाएंगे छोटे छोटे। देखो ये पर्वत पहाड़ी प्रदेश, ये सिंबल दिखाए गए। तो इस तरीके से ये पूरा इंडिया हिंदुस्तान है, ठीक है। अब देखो ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप स्थल रूपों की भिन्नता, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, संस्कृति आदि की भिन्नता को दर्शाती है, अलग अलग मिलेंगे। प्रायद्वीप की डेफिनेशन होती है कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, 32.8 लाख किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, 3214। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहां से ये देखो इस तरीके से ये 3214 यहां से इस तरीके से 3214 है। और यदि आप इस तरीके से देखोगे यहां से यहां, तो ये 2933 किलोमीटर है, यहां लगभग 32 अप्रोक्स लिखा है, तो ये 3214 और ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना, याद रखो। ठीक बताई दिया। 2011 की जनगणना से अभी आबादी 1.121 करोड़ है, 120 करोड़ दिया, लेकिन ठीक है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत। अब इसके बारे में स्थिति की बात करिए, भारत कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सर उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ, देखो ये हमारे पास 0 डिग्री है, हमारे पास 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के उत्तर में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। और भारत स्टार्ट कहां से होता है, तो भारत होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जाता कहां तक है सर 27 डिग्री 36 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है ना, इस तरीके से विस्तार है तो उत्तरी गोलार्ध में। अब 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर हमने देखा था कि इंडिया यहां पर है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यहां से गुजरता है हमारे यहां से, तो ये पूर्वी गोलार्ध। अब भारत उत्तरी पूर्वी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना कौन कौन से, आप देखिएगा, देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत की भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, मैप दिया है तो दिखा था, हाँ देखो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, ये 3214 किलोमीटर है। जबकि इस साइड में देखोगे आप गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट इस तक लगभग 2933 किलोमीटर है, कन्याकुमारी से कश्मीर या ऐसे इंदिरा कोल से दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट तक विस्तार है इस तरीके से भी, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने बताई दिया आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि लगभग 68 डिग्री, देखो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 2 घंटे का अंतर हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है,
इस क्षेत्र में सूर्योदय बाद में होता है, याद रखना आप। ये मैप दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश दिया हुआ है। देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना आप, बचपन में एमबीए, बी सी पी एन एम बी ए, बचपन में एमबीए, यानी सबसे ज्यादा हमारे बाउंड्री किसकी लगती है, सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है, बी से बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे किसकी लगती है हमारे बाउंड्री, चाइना की लगती है, सी से चाइना, ये राया चाइना। तीसरे नंबर पे हमारे सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, पी मतलब पाकिस्तान, ये इस तरीके से पाकिस्तान। फिर चौथे नंबर पे ने से नेपाल, चौथे नंबर पर हमारे बाउंड्री सबसे ज्यादा, अभी ये लिपु लेक वाला ये विवाद भी चल रहा है, तो ये आपके पास नेपाल। मै से आपके पास में इधर लग रहा है म्यांमार, बी से भूटान, ये आपके पास लग रहा है, यहां देखो भूटान, भारत की गोद में बैठा है भूटान। और ए से लग रहा है इधर देखो छोटा सा डूरन ट्रायल के द्वारा अफगानिस्तान। इस तरीके से सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, और फिर अफगानिस्तान की। इस तरीके से हमारे बाउंड्री टच होती है, समझ जाएगा ना। देखो ये दिया हुआ है कितनी कितनी बाउंड्री है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ऐसे ही डाला हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखना कि किसकी कितनी बाउंड्री है, तो पता चल जाएगा कि सबसे कम किसकी है, ठीक है। तो देखो 4096 सबसे ज़्यादा इसकी हो गई, 3488 इसकी हो गई, पाकिस्तान हो गया, है ना। भारत के पड़ोसी देश, सात देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है, सात देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है, देख लिया था हम लोग, सी पी एन एम बी ए। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, वो भी दो पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछा था, याद रखना कौन सी, पाक स्ट्रेट। ये देखो ये हमारे पास श्रीलंका, इधर आपके पास मालदीव होगा, इनके बीच में ये रही पाक, ये पाक स्ट्रेट रही इधर, यहां पर आपके पास में ये टोटल सात देश जो यहां पर बाउंड्री लगते हैं। ये भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है। भारत में अभी प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर ब्रेक हो गया, जम्मू कश्मीर के ब्रेक होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में ये मैप पुराना है, दो केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, फिर दमन एंड दीव और नागदर और नागरा हवेली मिल गए, तो ये वापस अभी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज की संख्या अभी 8 है, 28 राज्य है। अब आपको काम ये करना है कि ऊपर से शुरू करना है, अभी ये लद्दाख वाला मैप आपको अलग से देखना पड़ेगा, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इधर आपके पास चंडीगढ़ है और हरियाणा है, इन दोनों की राजधानी पंजाब है, उससे जस्ट नीचे आ जाते हो तो यूपी है, इसकी कैपिटल आपके पास लखनऊ है, इधर आ जाते हो तो बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। इस तरीके से ऊपर से नीचे तक आपको मैप पूरा करना है राज्यों की राजधानी देखते हुए। इनका जरूर ध्यान रखना है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इनकी राजधानी लोगों को नहीं पता होती, ईटानगर है, इधर नागालैंड है, इसकी राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की राजधानी, ये देखो यहाँ पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये आपके पास मिजोरम रहा, मिजोरम की राजधानी आइजोल है ना, और ये आपके पास में इस जगह पे आपके पास में क्या हो गया, अरे कौन सा हो गया राज्य आपके पास है, मिजोरम और अगरतला राजधानी किसकी है, नाम ही नहीं आ रहा उसकी जबान पे, मैं से ही है, मिजोरम त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगर कोई दिमाग से निकल गया, इधर देखोगे आप तो ये असम हो गया, असम की राजधानी दिशपुर है, और आपके पास ये मेघालय हो गया, मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये सारे आपके पास में, ये इधर वाले जरूर याद रखना, इधर ये फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, राजधानी, देश की राजधानी कौन सी है, किस राज्य की राजधानी, जैसे राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये सारी कैपिटल याद रखना।
तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा था लेकिन चेंज हो गया। 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना था लेकिन अब 28 हो गए जम्मू कश्मीर के बनने के कारण से। पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था, आपको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आरएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखना। ये हमने देख लिया भौतिक विभाजन पूरा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, तट हो गए, द्वीप समूह, ये बता ही दिया मैंने आपको। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी की तरह काम कर रहा है। हिम प्लस आलय का मतलब हो गया बर्फ का घर, आलय मतलब घर और हिम का मतलब हो गया बर्फ, तो उत्तर में बर्फ, हिमालय हिम का घर हो गया। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला ग्रेट हिमालय, सबसे ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर स्थित है। उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद नीचे शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और उसके दक्षिण में फिर आपके पास सबसे दक्षिण में इसके शिवालिक हिमालय स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है जो हमने देखा था, गंगा और यमुना से निर्मित है। ये मैदान समतल और सपाट है। इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी, भी देखा था हमने, नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, जलोढ़ निक्षेप के रूप में। महान हिमालय, अवृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हिमालय हो गया। इनके दक्षिण में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान हो गया। ये सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सतलज इसकी सहायक नदियां होंगी। समझ गया ना, इतनी बातें इसने अभी बताई होगी। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहां पर कुछ बताया है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदर नहीं है बल्कि सुंदरी मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, उसके कारण से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां पर नदी गिर रही होती है, भी दिखाया था मैंने, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उससे जगह की नदी को मुहाना कहा जाता है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? एल्यूवियल डिपोजिशन है, महीन कण होते हैं मिट्टी के, वो आकर के जहां जमा हो जाते हैं नदियां लेके आती हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, वो जमा हो जाती है, उसे जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी जमा कर दी जाती है नदी के द्वारा। सहायक नदी क्या होती है? एक मुख्य नदी होती है, उसमें कोई दूसरी नदी आकर के मिलती है उसे, जैसे गंगा नदी हो गई मुख्य नदी हो गई, इसमें एक यमुना नदी आके मिल रही है, ये सहायक नदी हो गई, या ऊपर से कोई कोशी नदी आकर के मिल रही है, ये इसकी सहायक नदी होगी। तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है उसे उसकी सहायक नदी कहते हैं, जल विसर्जित करती है, उसके अंदर लाके गिराती है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, मैंने बताया था ये शुष्क मरुस्थल है, बारिश नहीं होती है, गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और रेतीला है। यहाँ की वनस्पति बहुत कम मात्रा के अंदर है और जो है वो कांटेदार है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, बारिश कम हो, तो कांटे होंगे क्योंकि यदि पत्तियां मोटी होंगी, चौड़ी होंगी, इवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां और श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। ये इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, ये सब मैंने आपको बताई थी। इस तरीके से पठारी क्षेत्र है हमारे पास, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र इस तरीके से विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिमी में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मैंने दिखाया था आपको, और विंध्य ने सतपुड़ा भी श्रृंखलाएं हैं जो कि ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, जबकि अरावली पर्वतमाला
फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, फोल्डेड के साथ साथ रेसिडुअल माउंटेन का भी एग्जाम्पल है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। मैंने बताया था कि ऊपर विंध्यन, नीचे सतपुड़ा, उनके बीच में एक वंश घाटी, उससे बहती है नर्मदा नदी और उसके जस्ट दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, वंश घाटियों में बहती है और अरब सागर में जाके गिर रही है। ये अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती है, उसका मुख्य कारण है कि वंश घाटियों में बहने के कारण। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। ये मैंने दिखाया था आपको, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट था, इधर पूर्वी घाट था। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहे की प्रचुर मात्रा है। देखो ये देखो, आपको एक सतत रूप से यहां पर पश्चिमी घाट मिलेगा। पश्चिमी घाट, घाट का मतलब पर्वत, और इस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखिए सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, इस तरीके से तीन भागों में बांटते हैं। और इसके पश्चिमी भाग जो है ना, ये तटीय क्षेत्र कहलाता है, कोस्टल एरिया कहलाता है या तटीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये जो देखो पूर्वी भाग है, इस तरीके से देखो, ये पूर्वी कटाफट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियों का, देखो कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, महानदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, इसके कारण से काफ़ी कटाफट है और काफ़ी नदियाँ, ज़्यादा नदियाँ इधर आके गिर रही हैं, ज़्यादा नदियाँ इधर आके गिर रही हैं, डेल्टा जमा कर रही है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है, जिसके कारण से मिट्टी जमा हो रही है, इसलिए यहाँ पर मैदान चौड़ा है ज़्यादा। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत तीव्र ढाल है, ऊंचा, यहाँ थोड़ा नीचा, तो इसके कारण से नदियाँ बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती, तो शंकरा मैदान बना है, शंकरा, ये शंकरा मैदान है, थोड़ा चौड़ा मैदान है। ठीक है, इतनी चीज़ें दी है, बाकी पढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, पढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है स्थित है। पश्चिमी तटा मैदान काफी शंकरा है, मैंने अभी बताया। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं जो कि मिट्टी ला के जमा करती है, उसके कारण से मां नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनके कारण से कटाफटा है, ये ला के मिट्टी जमा करती है, जिसके कारण से मैदान की चौड़ाई बढ़ गई है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, उपजाऊ डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं, प्रवाल के बारे में बता रही है, जानते क्या प्रवालों के बारे में बता रही है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, अन्य पॉलिप की वर्दी इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। चित्र दिखाइए, प्रवाल द्वीप इस तरीके से आइलैंड्स बन जाते हैं, इस तरीके से प्रवाल द्वीप, कैसे, जैसे मान लो कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, इनको सहारा चाहिए। इस तटीय क्षेत्र के पास में 200 फीट, ज्यादा नहीं, 200 फीट के आसपास गहराई में ये जमा हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें इनमें खून ब्लड ब्लड नहीं होता है, उत्सर्जन तंत्र का कोई सिस्टम नहीं है, ये यहाँ चिपक जाते हैं, चिपक गए। इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, ये नमकीन पानी में ही विकसित हो सकते हैं, खारे पानी में ही विकसित हो सकते हैं, काफ़ी संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, किसके प्रति, टेम्परेचर भी इनको एक लिमिटेड टेम्परेचर चाहिए, 20-22 डिग्री के, 21-22 डिग्री के आसपास, निश्चित लवणता भी चाहिए, ज़्यादा लवणता में भी मर जाएंगे, कम लवणता में विकसित नहीं हो पाएंगे, तो इनको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। पानी इनको नमकीन वाला चाहिए लेकिन शुद्ध चाहिए, यानी उसमें अवसाद नहीं होने चाहिए, उसके आधार पर ये विकसित होते हैं, अपने चारों तरफ कवच बना लेते हैं। मर गए, दूसरा पॉलिप या मूंगा इसके ऊपर कवच बना लेगा, तीसरा बना लेगा, चौथा बना लेगा, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। इस तरीके से फिर ये प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है, ये दिखाया गया है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूरी पर, मैंने बताया था, ये प्रवाल द्वीप समूह है ना, जबकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, और ये ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, सुनामी का कारण बता रहे हैं, ये सुनामी इस तरीके से उत्पन्न हो रही है, लहरें उठती है काफ़ी समुद्री क्षेत्रों के अंदर,
नॉर्मली समुद्री क्षेत्र के अंदर कोई ज्वालामुखी की क्रिया होती है, भूकंप की क्रिया होती है। समुद्री क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी या यदि कोई भूकंप की क्रिया हो रही है, ज्वालामुखी या कोई भूकंप की क्रिया हो रही है, तो ज्वालामुखी या भूकंप की क्रिया के कारण से लहरें ऊपर उठेंगी, और लहरें उठेगी जो तटीय क्षेत्र के पास आती है तो पानी हो जाता है कम और इनकी लहरों की ऊंचाई होती है ज़्यादा, जिसके कारण से तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नुकसान करती है। देखो इन लोगों को, उसे सुनामी बोलते हैं। ठीक है, खत्म। अब एक चैप्टर अपने पास अंतिम बचा है, आधा 15-20 मिनट का, तो बहुत जल्दी अपन लोगों ने 3-3.5 घंटे में खत्म कर लिया अपने टॉपिक। ठीक है ना? जैसे इंडिया, उसकी जलवायु कैसी है, इसकी वनस्पति कैसी है, वन्य प्राणी, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। वो जलवायु, वनस्पति, इंडिया के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में, तो देखते हैं। पहली बात तो है कि जलवायु किसको कहते हैं और मौसम किसको कहते हैं। तो देखो, मौसम जो होता है ना, ये एक अल्पकालिक घटना है, अल्पकालिक घटना है, प्रतिदिन के हिसाब से चेंज होता है, पर डे के हिसाब से चेंज होता है, प्रतिदिन के हिसाब से चेंज होता है ना। तो मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, डेली चेंज होने वाली चीज है, जिसमें तापमान, वर्षा और सूर्य की विकिरण जो है वो शामिल होती है। यानी ताप, वर्षा, सूर्य की किरणें, आर्द्रता, इन सब चीजों का मिला जुला रूप होता है। मौसम डेली बदल सकता है, वीकली बदलता है, जलवायु नहीं बदलती। जब 25 साल लगभग का एनसीईआरटी कोट कर रहा हूं, बाकी किताबों में 30-32 साल दिया, एनसीईआरटी साइंस वाले 25 वर्ष दिया, 7th क्लास वाले थे, तो लगभग 25-30, मान लो 25-30 वर्षों का औसत एवरेज जब अपन लेते हैं तो उसे मौसम का एवरेज, उसे जलवायु बोलते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, जलवायु है। औसतन तापमान के आधार पर, औसतन वर्षा के आधार पर, इनके आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है, तो लंबे टाइम की चीजों का एवरेज होता है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जो सर्दी का मौसम है, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं। ठीक है ना? मार्च से मई तक का गर्म होता है, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, 4 ऋतुएं हो गई हमारे पास। जून से सितंबर जब बारिश का मौसम होता है तो इसे बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। और जब अक्टूबर और नवंबर में मौसम मानसून वापस लौट रहा होता है, उस टाइम पे इसे शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, शीत ऋतु कहना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला टाइम है, उस टाइम पे जो हमने देखा था, जैसे सन है, इसका प्रकाश जैसे सीधा नहीं पड़ेगा किसी स्थान पर, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में होता है सन, तो जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में है सन, तो सन की जो लाइट है वो सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, जिसके कारण से उत्तरी गोलार्ध के अंदर, दिसंबर के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में है सन, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी पड़ेगी। जून के अंदर उत्तरी गोलार्ध में होगा सन, कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी, सन की पोजीशन से होता है। ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवने चलती है, जिसे लू कहते हैं, राजस्थान लू से परिचित है। ठीक है ना? शुष्क हवाएं होती है, गर्म। ये मानसून के दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, इस तरीके से जैसे हमारा ये इंडिया है, तो ये इस तरफ से आता है, इस तरफ से, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोले। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है ना? अरब सागर हो गया,
बंगाल खाड़ी होगी, तो इस तरीके से ये बारिश करता है। वे अपने साथ नमी लेके आती है, पहाड़ों से टकराती है और वर्षा करती है। भारत के अंदर ज़्यादातर पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतों से टकराने से क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई पर्वत है, इस पर्वत से हवाएं टकराएगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो संतृप्त होगी, सेचुरेटेड होगी, संतृप्त होगी तो कंडेंसेशन यानी संघनन की क्रिया होगी और संघनन की क्रिया से वर्षा होगी, संघनन की क्रिया से वर्षा होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, ये अपने पास सितंबर के बाद में मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। देखो इस तरीके से, जैसे दक्षिणी सन जो है 0 डिग्री के दक्षिण में चला गया, शीत ऋतु आ गई। तुमने एनसीईआरटी वगैरह में 6th-7th क्लास वाली में मैंने पढ़ाया कि स्थल जो है वो जल्दी ठंडा होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, जल कंपेरेटिवली गर्म रहेगा सर्दियों के अंदर, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी, ये एक तरीके से मानसून का लौटना है। मानसून इतने आसानी से न तो आता है न मानसून इतनी आसानी से लौटता है। 6th क्लास की बुक है इसलिए इतना जल्दी आ गया, इतना जल्दी लौट गया, ढंग से पढ़ाए तो 3 घंटे आने में लगते हैं, ठीक है ना। ये मानसून के आने तक आगे बढ़ने की है, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी बताई दिया मैंने। तो देखो लौटने का जो टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का, ये वापस रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। ये जो कोरोमंडल तट है इसको बोलते हैं तमिलनाडु वाला क्षेत्र। यहाँ पर जाते टाइम में बारिश नहीं होती क्योंकि ये इसके समानांतर या पैरेलल हो जाता है। आते टाइम में यहाँ पर बारिश होती है तो शीत ऋतु के अंदर या शरद ऋतु के अंदर यहाँ पर बारिश होती है। तो सर्दियों में बारिश कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन मेंस आरएस मेंस में पूछा गया था। तो एक तो देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी मिल रहा आपको फैक्ट, तो ये सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है। किसी स्थान पर, जलवायु के बारे में बताएं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों, लगभग 25 वर्ष एनसीईआरटी कहती है, सामान्य ज्योग्राफर वगैरह 30 से 32 वर्ष मानते हैं, जो भी क्या फर्क पड़ता है, लंबा समय है, में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है मौसम के हिसाब से जो वर्षा की को लाने वाली या जो हवाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, वर्ष में 2 बार इनमें चेंज हो जाता है, एक बार आती है एक बार वापस चली जाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है ना। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है। 23.5 से ऊपर हमारे यहाँ शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए लेकिन है नहीं क्योंकि हिमालय की उपस्थिति के कारण से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पाती। इसलिए भारत का आपको जलवायु कभी पूछे कैसी है, उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल टाइप की है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ट्रॉपिकल का मतलब हो गया 0 से 23.5 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र, मानसूनी पवन से होती है अधिकतर वर्षा, मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर है, सिंचाई के हमारे लिए यहाँ पर कम सुविधाएं हैं, हमारे किसान ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर करते हैं, इसीलिए मानसून हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यदि वर्षा कम होगी तो कृषि ठीक से नहीं होगी, खाद्यान्न उत्पादन ठीक से नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, किसानों को सुसाइड वगैरह करना पड़ता है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, खराब का मतलब अकाल पड़ना। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसके समुद्र से दूरी, ऊंचावच यानी कई फैक्टर्स पे निर्धारित करती है जलवायु। उसकी स्थिति यानी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसी हिसाब से उसका उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंध होगा। यदि कम हाइट होगी तो गर्म रहेगा अपेक्षाकृत, ज़्यादा हाइट होगी तो ठंडा होगा। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास भी यदि कोई बहुत ऊंचा पर्वत है तो वहाँ भी बर्फ जमी हुई मिल सकती है। समुद्र से दूरी, समुद्र पास में रहेगा तो मौसम में बदलाव कम होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि समुद्री सतह जो होती है धीरे धीरे ही गर्म होती है, धीरे धीरे ही ठंडी होती है, तो उसका उतना इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन यदि मरुस्थल वगैरह है तो कोई वाटर बॉडी नहीं होती है तो तेजी से ही गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा होता है। इसलिए हमें भारत में जलवायु भिन्नता का अनुभव होता है, है ना। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में है,
इस कारण से। जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी हवा है। तो भारत में भी देखो कितने प्रकार की जलवायु मिलेगी। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता की जलवायु मध्यम है क्योंकि समुद्री क्षेत्र के पास है और समुद्री क्षेत्र में पानी की विशेषता है कि धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र तट पर होने के कारण से स्थान बहुत आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में के मोशिनराम में होती है, जो कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में मेघालय है वहाँ पर है। खासी पहाड़ी का क्षेत्र है, खासी गारो खासी जयंतिया है उसमें खासी पहाड़ी है, इस तरीके से घुमावदार रूप में है। मानसून एक बार घुस गया तो निकल नहीं पाएगा, घूम घूम के वहीं पर वर्षा करता है। ये खासी पहाड़ी के क्षेत्र में है, मेघालय के मोशिनराम में, पहला चेरापूंजी हुआ करता था मोशिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, कई बार नहीं होती है। अब यहाँ पर बताया गया प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हो गया जो बिना मानव हस्तक्षेप के विकसित होती है। मानव हस्तक्षेप के बिना यदि विकसित होती है, मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित होती है तो उसे प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। ये जो नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति है, ये तापमान, वर्षा आदि पर निर्भर करती है, मेनली टेम्परेचर और वर्षा पर करती है। जिस तरह की अक्षांश की स्थिति होगी उसी तरह की वहां पर वनस्पति होगी। जैसे तापमान के आधार पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीत कटिबंधीय वनस्पति, वर्षा के आधार पर सदाबहार वनस्पति, एवरग्रीन, अर्ध सदाबहार वनस्पति, है ना, कंटीली वनस्पति, मरुस्थली वनस्पति, इस तरीके से कई प्रकार होते हैं। यदि वनस्पति को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए उसे तापमान, दूसरी चाहिए वर्षा। जितना ज्यादा तापमान और वर्षा होगी उतनी वनस्पति ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसी के कारण से उसकी सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो उसके कारण से तो जितनी ज्यादा वर्षा होगी, तापमान होगा, उतनी कठोर होगी। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में वनस्पति कठोर होती है, हाइट भी ज्यादा होती है, तंदुरुस्त होती है, ज्यादा ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा पारगम्यता कम होने के कारण, ज्यादा एक दूसरे के पास चिपके होने के कारण से उसका आर्थिक महत्व कम हो जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा बने देखो इस तरीके से होता है। कौन इसके अंदर जाकर के रास्ता बना करके इसका उपयोग कर लेगा? मान लो यहाँ पर कोई फल लगाए, ला पाओगे क्या? इसलिए इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। प्राकृतिक वनस्पति लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से जीवों के रहने के लिए बढ़िया है। घास हो गए, झाड़ियाँ हो गई तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति यानी बिना हस्तक्षेप के, मानव हस्तक्षेप। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, छोटे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। जैसे कैक्टस हो गए, फूल वाले पौधे हो गए, ये झाड़ी होते हैं। कैक्टस हो गए, फूल वाले पौधे झाड़ी होते हैं, ध्यान रखना, छोटे पौधे झाड़ी होते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं होती है, कुछ पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम, ये बड़े पेड़ हैं और छोटे पेड़ झाड़ियां कहलाते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल के पेड़ हैं। तो ये विविधता बताई हुई है कि अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। ये देखो हमें वनों से क्या क्या मिलता है ताकि हम इतनी वनों की चिंता कर रहे हैं। तो देखो हमें वनों से ऑक्सीजन मिल रही है, हमें वनों से दवाइयाँ मिल रही है, वनों से हमें आश्रय यानी घर मिल रहा है, वनों से हमारे लिए चारा, जानवरों के लिए चारा उपलब्ध हो रहा है, इनसे हम लोगों को ईंधन मिल रहा है, खेल का सामान बना ले रहे हैं, फर्नीचर प्राप्त हो रहा है। ये मिट्टी जो है उसको कटाव को रोकती है, मानदे रखती है, जिससे मिट्टी जो है उसका अपरदन कम से कम होता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। रबड़ वगैरह जो है प्राप्त होता है इनसे, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, गोंद एवं लाख प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, कितनी चीजें हमें वृक्षों से प्राप्त होती है, देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। हमें वनों क्यों आवश्यक है? क्योंकि वन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाकी जितनी चीजें मैंने अभी बताई उनके लिए भी उपयोगी है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हमें सांस के रूप में लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेड करते हैं, पता है ना, CO2 प्लस H2O ऐसे करके बनाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे अपरदन नहीं होता है और मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, चारा है, जड़ी बूटियां हैं, लाख है, शहद है,
गोंद है आदि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं, ये भी है। देखो ये वन्य जीव वगैरह वन्य प्राणी हैं यहाँ पर, ये देखो जंगलों के अंदर आराम से, यदि आप वन वगैरह कटाई कर लोगे तो इनके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वन्य प्राणी है जो कि वन के अंदर रहते हैं। देख हाथी हो गए, चीता हो गए, शेर हो गए, और भी हो गए, बहुत सारे जानवर हैं इस तरह एक साथ ऐसे नहीं रहते, बट फिर भी वन्य प्राणी के बारे में कुछ दिया है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है जिन्हें हम वन्य प्राणी के रूप में जानते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट, कृमि का निवास होता है। सभी प्रकार के रहते हैं, अभी दिखाए मैंने। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखना है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात का गिर वन जो है एशियाई शेरों का निवास, याद रखना। गुजरात का गिर वन याद रखना, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। सिक्स क्लास में और कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा। हाथी, हाथी एक शींग वाले, हाथी तथा एक शींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। कई बार पूछते हैं असम के जो जंगल हैं वहाँ पर हाथी और एक शींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, लेकिन ये क्षेत्र एक शींग वाले गेंडे के लिए असम, याद रखिएगा, एक शींग वाले गेंडे के लिए असम। ऊंट भारत के रेगिस्तान में भी मिलेंगे। जंगली गधा कच्छ के रण में मिलता है, कच्छ के रण में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जंगली बकरी होगी आपके पास में, हिम तेंदुआ हो गया, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में, ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र की कौन सी प्रजातियाँ हैं, पूछ लेगा कई बार। जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू है, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, हिमालय क्षेत्र। इनके अलावा जैसे अतिरिक्त जैसे दूसरे जानवर जैसे बंदर है, शियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं अलग अलग, तो कौन से क्षेत्र में कौन मिलते हैं आप। भारत में पक्षियों को भी ऐसी ऐसा ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कुछ लोगों को ये चीज़ें भी नहीं पता होगी, कम से कम इसलिए बोला जाता है एनसीईआरटी के लिए। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां हैं, उनमें कोबरा एवं करेत, ध्यान रखना। भार निम्न में से कौन सी सांपों की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, तो ध्यान रखना कोबरा एवं करेत जो प्रजातियां हैं सांप की, वो इंडिया में है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण से भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है, तेजी से घट रही है, यानी हम काट रहे हैं, हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम समझ नहीं रहे। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग चलाते। प्रवासी पक्षी, कई बार प्रवासी पक्षी है जैसे साइबेरिया से राजस्थान के अंदर, जैसे केवला देवी वाले क्षेत्र, केवला देवी वाले क्षेत्र में आते हैं। कई बार आश्चर्य होता है कि कैसे आते हैं, लेकिन ये सूर्य हैं, तारे हैं या दिशाओं का इनको ज्ञान होता है, उसके आधार पर ये पहुंचते हैं। ये बात मैं एनसीईआरटी के आधार पर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो पहुंचते हैं ये। जैसे कुछ पक्षी जैसे पिंटेल बतख है, करलियू है, फ्लेमिंग है, ओस्प्रे है, लिटल स्टिंट है, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल इंस्टेंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। आश्चर्य की बात नहीं, सरप्राइज है। देखो इस तरीके से स्टॉर के एक प्रवासी पक्षी, देख कितने 8000 किलोमीटर दूरी इतने छोटे छोटे जो पक्षी है वो कर लेते हैं। आप भी वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बंटा सकते हैं, इसलिए जानकारी दे रहे हैं। आप जानवरों को शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, शींग तथा पंख से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, इस तरीके से बचाएंगे आप। प्रत्येक वर्ष हम लोग जो हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ताकि अन्य जीवों के निवास को सुरक्षित संरक्षित किया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके, जागरूकता के लिए कोई भी दिवस मनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 8th क्लास की एनसीईआरटी है लगभग 3.25 घंटे में हमने ख़त्म कर ली, जो कि बहुत ही कम टाइम है, और इससे ज़्यादा आपको इससे कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी, बस वीडियो देख लो काम हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हमने इसको 3.25 घंटे में ख़त्म करा, और ये जो है मेरा कोर्स है इंडियन पॉलिटी का जो चल रहा है, और नया मैं आर्ट एंड कल्चर से शुरू करूँगा 1-2 तारीख से, उससे पहले एडमिशन ले सकते हैं।
किसी तरह की दिक्कत हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दे रहा हूँ, और ये मेरा कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस है, संडे को टेस्ट है, नोट्स है, गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे से अवेलेबल होंगी। कोलिया 10 कोड यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है कोई इशू 8744035689 पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही कम चार्जेस है, 1 साल का 6,300, 2 साल का 7,560, इससे कम में कहीं कोचिंग नहीं होती। सारी NCERT वगैरह पढ़ाना, सारे 6, 7, 8, 9, 10 की ज्योग्राफी करवा दूंगा आपको, 11, 12 में भी जो राजस्थान के लिए उपयोगी है वो करवा दूंगा, हिस्ट्री भी करवा देंगे, ये सारी चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी। 3 घंटे में देखो पूरी 6 क्लास की NCERT करते रहते, ऐसे 15-20 घंटे पढ़ोगे ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।